नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, भैंस की नस्ल। बफेलो ब्रीड अपना मुख्य टॉपिक है, टाइटल आज है बफेलो ब्रीड। प्यारे दोस्तों, पिछले 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई और मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है, अपनी जो क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन हम प्रयास करते हैं, कुछ तकनीकी वजह नेटवर्क ऐसी समस्या ही हो सकती है। प्यारे बच्चों, तो अपना जो टॉपिक है फटाफट आ जाइए। कुछ सोई हुई शेर हैं, शेरनियाँ भी सोई हुई हैं, उनको आपको जगाना है और तुरंत अपने क्लास में उनको बुलाना है। तुरंत उनके पास मैसेज कर दे कि आपके डियर सर, आपके एम के सर आ चुके हैं क्लास के अंदर और आपको भी क्लास में आपकी प्रजेंस लगानी है। तुरंत फटाफट आपको क्या करना है, एक केवल एक आपको जिम्मेदारी दे रखी है, वो तुरंत आपको निभाना है ताकि अपना एक डेकोरम तैयार हो जाए, आनंद वाला माहौल हम लोगों को तैयार करना है। उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 अगस्त का आपका पेपर है और बड़े इस प्रकार की आपकी तैयारी होने जा रही है, लगातार आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, तो आप उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि 2 अगस्त का पेपर है और इस बार 2020 कोविड महामारी का जो समय है उसको जीवन में, इतिहास में आपका स्वर्णिम समय के रूप में आप उसको चेंज करना है। हमें गोल्डन रिवॉल्यूशन के रूप में अपने जीवन को, इस कोविड महामारी के समय को उपयोग लेना है। दोस्तों, समय जो है, समय किसी का नहीं है, समय हर व्यक्ति का हिसाब लेता है और समय अपना भी हिसाब मांगेगा। उस दिन हम उसको बेशक इसको जवाब देंगे कि हमारा जो समय है वो हमने पढ़ाई के साथ बिताया है, निशा फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने बिताया है। बहुत बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे शेर अभी भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज़ आप एक काम कीजिए, तुरंत आपको क्या करना है, जो आपका लाइव सेक्शन आ रहा है, नीचे शेर आ रहा है, उसको फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत आपको एक बार क्या करना है, फटाफट शेयर कर दे ताकि अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्या करें, स्टार्ट कर पाए और आप उनको स्वीकृति प्रदान करें कि सर हम लोगों ने शेयर कर चुके हैं, सभी को बुलाए बुला चुके हैं। इनवाइट फटाफट करना है आप लोगों को, अपने परिवार में जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही आनंद वाला माहौल होगा। टॉपिक बहुत गजब का है बफेलो, टॉपिक बहुत गजब का है बफेलो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। हाँ, शेयर करो दोस्तों ताकि थोड़ा आनंद वाला माहौल बन पाए और उन लोगों को भी जवाब मिल पाए जो ये कहते हैं कि साहब इंटरनेट व्हाट्सएप के द्वारा या अपने यूट्यूब के द्वारा ऐप के द्वारा पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चे नहीं जुड़ते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ना चाहते हैं। आपको ये दिखाना है, केवल आपको ये दिखाना है उन बच्चों के लिए, उन व्यक्तियों को आपको जवाब देना है कि हाँ हम पढ़ाई किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, हम इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हैं, ई लर्निंग का सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, हम सेल्फ मोटिवेशनल आदमी हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर अपने जुनून, हमारी जिद है, वो हमें अपने खुद को क्या करती है, प्रेरित करती है। ये आपको दिखाना है और ये अपने संख्या, अपने परिवार की जो संख्या होगी वही उनके लिए जवाब होगा, वही उनके लिए जवाब होगा। और रियल जवाब तो मेरे प्यारे बच्चों कब देना है आपको, 2 अगस्त का जो आपका पेपर है, 2 अगस्त का आपका जो पेपर है उस पेपर वाले दिन आप उनको जवाब दे दोगे। और जब पूरे राजस्थान में हर कोने कोने में आपके जो इरादे हैं, आपकी जो तकदीर है, आपका जो टैलेंट है, वो टैलेंट जब छपा हुआ मिलेगा उनको, तब उनके सामने क्या रहेगा, आपका जवाब रहेगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे आ चुके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों को। ये नरेंद्र चौधरी कुछ भेज रहा है, शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ उसको आपको पहचानने में, आपने कोई बहुत शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ ही भेजी होगी क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे आप डियर स्टूडेंट हो और अच्छी चीज़ ही भेजने के मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन स्टार्ट करते हैं। थंप दीजिए, आपकी प्रेजेंस आ चुकी है और आप मेरे को सेक्शन स्टार्ट करने के लिए, अपना क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे को क्या करनी है, आपको क्या करना है। हाँ, आपको मेरे को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपको थंब देना है कि हाँ सर हम आ चुके हैं, रेडी है, और जिन्हें जिन्होंने शेयर कर दिया है वो भी थंब कीजिए और जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया है वो भी क्या करना है, एक बार बटन के द्वारा आपको क्या करना है, एक क्लिक आपको करना है, शेयर करना है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल आ चुके हैं बच्चे सारे, उम्मीद करता हूँ आपने शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया तो तुरंत शेयर कीजिए अपना। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चों
आप देख रहे हो आपके सामने ये बहुत ही जबरदस्त तस्वीर आपके सामने लेके आया हूँ, और यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये इसका नाम है युवराज। इसका क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चों? नाम इसका है युवराज। 9 करोड़ का जो बफेलो, मेल बफेलो है, और बहुत ज़्यादा इससे अर्न होती है। लगभग यूँ मानते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपये इससे क्या होती हैं, अर्न भी होती है। नाम इसका है युवराज। युवराज एक तो वो युवराज था जिसने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे, और अपना एक ये युवराज हैं जो देखने में काजू किशमिश जैसा खाता है, और कितना सॉफ्ट और मुलायम इसका शरीर है, आकर्षक शरीर है मेरे प्यारे बच्चों। मोरा नस्ल का मेल है युवराज, जिसकी प्राइस अनुमान 9 करोड़ रुपये लगा चुके हैं, फिर भी इसके जो मालिक है उन्होंने इससे देने के लिए मना कर दिया। वैसे मेरे प्यारे बच्चों बात कहूँ मैं आपसे, भैंस जो है वो भैंस बड़ी दुखी है हम लोगों से। भैंस जो है ना प्यारे बच्चों, वो बड़ी दुखी है। वो मेरे को ये कहती है, भैंस से ऐसे कहती हैं कि साहब दूध पियोगे भैंस का, दूध किसको पियोगे आप? भैंस का दूध पियोगे और गुणगान गाय का करोगे। दूध पीते हैं भैंस का, गुणगान किसका करते हैं? गाय का। और हाँ, भैंस ये कहती है कि साहब हमारी बुराई हमारी भी करते हो, हमारे संतान की भी आप लगातार क्या करते हो, उनकी निंदा करते रहते हो। क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे दिए जाते हैं, जैसे कई बार अपने कहते हैं गई भैंस पानी में, हैं तो क्या भैंस ही पानी में जाती है क्या? और कोई नहीं जाता है। अपने यही कहते हैं भैंस भर की हो रही है, हैं रंग के लिए भी कह देते कई बार, तो क्यों बाकी और तो सब क्या फेरन भी लगाते क्या बाकी सब? ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, तो भैंस क्या वो दुखी है अपने से, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, क्लियर बात। हाँ, ये तो गाय हमारी माता है, बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन ये भी हमें तो चाची या कोई मौसी इस प्रकार के बना लेने चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मजाक वाला सा माहौल अपने बनाया है, सारे बच्चे आ चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है बफेलो। अच्छा जी, नाम क्या रहेगा बफेलो का? वैज्ञानिक नाम एरलस लिनिस के द्वारा दिया हुआ है। लिनिस ने क्या कहा? पहला शब्द वंश है और दूसरा शब्द क्या है? जाति है। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है उसमें बुवेलिस बुवेलिस कहते हैं, बुवेलिस भी कह सकते हो, बुवेलिस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल किसका फर्क है? उच्चारण का फर्क है मेरे प्यारे बच्चों। केवल फर्क किसका है? उच्चारण का। बोवेडी कुल है, गाय भैंस भेड़ बकरी सभी का कुल बोवेडी है, और ऊंट का कुल क्या है? केमेलिडी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, क्रोमोजोम नंबर्स की बात करें, गाय में हमने पढ़ा था 60 होता है, बकरी में भी 60 होता है, भेड़ में 54 होते हैं, इसमें 50 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, हालांकि आपसे ये पूछे भारतीय गाय को हम जलीय भैंस कहते हैं, वाटर बफेलो कहते हैं, क्रोमोजोम संख्या 50 ही आपको बतानी है। क्रोमोजोम की संख्या आपको बतानी है, वो कितनी बतानी है? 50 ही बतानी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे दलदली जो भैंस होती है कहाँ पाई जाती है? विदेशों में पाई जाती है। दलदली जो बफेलो है वो कहाँ पाई जाती है? विदेशों में पाई जाती है। और उनके जो क्रोमोजोम संख्या वो कितनी होती है? 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपसे यू करूं कि बफेलो में क्रोमोजोम संख्या पाई जाती है तो आपको 50 ही बताना है, गाय और बकरी में कितनी होती है? 60 होती है, भेड़ में 54 होती है। सिंपल जो क्रोमोजोम संख्या है, बार-बार पढ़ते रहो, बार-बार रिपीट करते रहो, हर एक चीज आपको क्या हो जाएगी? याद होती रहेगी। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। जुगाली करने वाले पशुओं को आरटी ऑडिटिकुलर गण में रखा गया है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये सामान्य सी बात ली है, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ बात आपको और ध्यान रखनी है। यहाँ पर भैंस जो है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। भैंस की बात करें तो जैसे अपने ये है इस प्रकार से, तो इंडिया के अंदर क्या है, सबसे अधिक पाई जाती है भैंस। विश्व के अंदर, विश्व है, विश्व में सबसे अधिक कौन सी कंट्री में भैंस पाई जाती है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इंडिया। क्लियर बात हुई। लेकिन अगर आपसे यू पूछे भारत के अंदर सबसे अधिक कौन सा पशु पाया जाता है, तो उस जगह उत्तर क्या आएगा? गाय। गाय जो है वो लगभग भारत के अंदर 37 से 38% पाई जाती है। 37 से 38% पाई जाती है। सबसे अधिक जो पशु पाया जाता है वो उसकी संख्या कौन सी है? गाय। लेकिन भारत का ऐसे पूछे ना कि भारत सबसे अधिक भैंस कौन से कंट्री में पाई जाती है, तो अपना इंडिया होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भैंस को हम एशियन पशु भी कहते हैं। जो भैंस है उस भैंस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एशियन पशु के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पशु? एशियन पशु। इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक डायमंड, डायमंड ही है, बस रंग कैसा है इसका? रंग आप जानते हो, आप कई बार किसी को चिढ़ाने में भी काम करते हो कि भैंस जैसा रंग है। रंग कैसा है? भैंस भर का है। ऐसे समझ में अपने क्या लेते हैं, कई बार काम में लेते हैं। क्लियर है?
अच्छा जी हाँ, इनको भी अपने चिढ़ाते हैं, इनके जो जैसे कई बार मेल होता है, बच्चे होते हैं, उनको भी कह देते हैं कि अपना बछड़ा जैसा हो रखा है, इस प्रकार के खाका के हो रखा है ना, ऐसे नाम अपने लेते हैं। इसलिए भी हिसाब से चिढ़ती है, बड़ी शिकायत है। कभी जब स्ट्राइक पे आएगी ना, जिस दिन स्ट्राइक पे आएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा भैंस क्या चीज है, क्योंकि दूध उत्पादन सबसे ज्यादा इसी का है। कितना दूध उत्पादन है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जवाब यही है कि भैंस का भारत के अंदर कुल दूध उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है, बफेलो का कुल दुग्ध उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है। यहां मैं बता दूं सबसे अधिक योगदान किसका है, बफेलो का है। कमेंट बॉक्स में आपको परसेंट के रूप में लिखना है कितना परसेंट योगदान बफेलो का है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हाँ, खा खा कर पाड्यो बरख हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसीलिए बहस यही कहती है कि आप मेरे को भी चिढ़ाते हो, मेरी जो संतान है उनको भी आप क्या करते हो, उनकी भी बुराई करते हो, इसलिए काफी शिकायत है भैंस को। बिल्कुल जवाब आ चुका है, भोसलिया ने सबसे पहले जवाब दिया है, 52 राइट आंसर है तनु बिटिया का और भोसलिया का। बिल्कुल 52% योगदान भैंस का है दुग्ध उत्पादन में, बिल्कुल फैक्ट आपका है। 45% योगदान किसका है, गाय का है। 3 से 4% योगदान भेड़ बकरी का है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न में आपसे यूं कहूं कि विश्व में सबसे अधिक गाय कहाँ पाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक गाय कहाँ पाई जाती है, आपको उत्तर देना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों उत्तर देना है। हालांकि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राजील जो कंट्री है उसमें सबसे अधिक गाय पाई जाती है, और भारत के अंदर जितने पशु हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, गाय की होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु की संख्या 37 या 38% है, किसकी है, बकरी की। मेरे प्यारे बच्चों किसकी है, बकरी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अपन को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है, अपने बेस के रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए, अपने बेस अनुसंधान संस्थान की बात करें, बेस क्या जो अनुसंधान की बात करें, प्यारे बच्चों किसकी बात करनी है, अनुसंधान संस्थान की बात करनी है। अनुसंधान बेस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार में है। कहाँ प्यारे बच्चों, हिसार में। और हिसार कहाँ है, हिसार आपका है हरियाणा में। हिसार कहाँ प्यारे बच्चों, हरियाणा में है। तो बेस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। कुछ बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, प्लीज एक बार आप उनको जगा दीजिए, अपना सेक्शन अपने क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और तुरंत उनको बुलाकर उनकी हाजिरियां लगवानी है, ताकि अपना जो सिस्टम है उसको हम आगे बढ़ा पाए और एक आनंद वाला माहौल सा बन पाए। बिल्कुल राज महिला का जवाब आया ब्राजील, बिल्कुल ब्राजील है, बहुत फैक्ट आपका जवाब आया है। उसके बाद में बात करें, बेस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, और हिसार कहां प्यारे बच्चों, हरियाणा में है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, सेक्शन को अपने आगे बढ़ाए, एक बेस का प्रजनन केंद्र भी है। बेस जो प्रजनन केंद्र है, बेस अनुसंधान संस्थान अपनी बात करें प्रजनन के लिए, तो बेस और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में भी है। बेस का जो अनुसंधान के लिए अपनी बात करें ब्रीडिंग संबंधित, तो वो कहाँ पर है, वो अपने वल्लभ नगर उदयपुर में है। ये भी आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, जगत एनीमिया है, स्तनधारी फाइलम इसका क्या है, स्तनधारी है, बुवेलिस वंश है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाई जाती है, अलवर। गर्भकाल कितना होता है, 310 दिन का होता है। गर्भकाल कितना होता है, 310 दिन का होता है। तो भैंस, भैंस को देखो हर आदमी नहीं रख सकता, भैंस का दुग्ध हर आदमी नहीं पी सकता, भैंस वही व्यक्ति रख सकता जो संपन्न व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, संपन्न व्यक्ति होते हैं, जैसे अलवर हैं, जयपुर हैं, इस प्रकार के जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लोग कैसे हैं, संपन्न लोग हैं, और संपन्न लोग ही भैंस को क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। लेकिन भैंस क्या है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं रहना पसंद करती है। जैसे जैसलमेर क्षेत्र है, वहाँ सबसे कम पाई जाती है। अलवर जयपुर इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है, अलवर का नंबर वन ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, कब से ज्यादा संख्या भैंस की कहाँ है, तो आपको उत्तर क्या देना है, अलवर देना है। गाय कहाँ पर है, उदयपुर है मेरे प्यारे बच्चों। बकरिया भेड़ ये कहाँ पर है, बाड़मेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, उनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से भी। उसके बाद में दोस्तों अपने आगे बढ़े, भैंस की नस्लें। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि मान्य अगर अपने देखें, रिकॉर्डेड अपने देखें, तो भैंस की 13 नस्ल इंडिया के अंदर है। कितनी नस्ल है मेरे प्यारे बच्चों, 13 जो नस्ल है। मान्य नस्ल की बात करें अपने, तो 13 जो नस्ल है वो मान्य नस्ल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको लिखना है। भैंस की नस्लें लगभग
रिकॉर्डेड कितनी है, 13 नस्ल है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में देखिए मेन में नस्ल कौन सी है, मुर्रा नस्ल है, उसके बाद में बदावरी नस्ल है, जाफराबादी है, नीली रावी है, सूरती है, मेहसाना है, और कौन सी है, नागपुरी है। और कौन सी है, नागपुरी है। नागपुरी जो बिल्कुल सबसे हल्की नस्ल है, नागपुरी कैसी नस्ल है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हल्की नस्ल है। कौन सी नस्ल है, सबसे हल्की नस्ल है, ये भी याद रखना है, अपने पोकेश वर्ग की है, यूं याद रख सकते हो, सबसे हल्की नस्ल है। कैसी नस्ल है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हल्की नस्ल है, कौन सी, नागपुरी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलाइचपुरी भी कह देते हैं इसको, क्या कह देते हैं इसको, इलाइचपुरी के नाम से भी इसको जानते हैं, इलाइचपुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, नागपुरी नस्ल है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है, कई बार इलाइचपुरी के नाम से भी इसको पूछा गया है बड़ी एग्जामों में, अच्छे स्तर की जो एग्जाम होती है उनमें इसको पूछ लेते हैं, और सबसे हल्की है, सबसे हल्की है। हल्के के लिए आप अपने क्लास में जो सबसे हल्का व्यक्ति था उस बच्चे का नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद में अपने आगे बढ़ना चाहेंगे, ये भारत के अंदर 13 नस्ल रिकॉर्डेड है, मैन में ये नस्ल मैंने नाम बता दिए हैं। इसके अलावा जैसे टोडा भी है अपने, कौन से प्यारे बच्चों, टोडा नस्ल भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको याद रखनी है। टोडा नस्ल कौन सी है, जो सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत की नस्ल है, कैसी नस्ल है, दक्षिणी भारत की, और सबसे ज्यादा लड़ाकू है। टोडा, टोडा राय सिंहपुरा जो टोक वाला है ये नहीं है, ये दक्षिणी भारत की नस्ल है, और सबसे ज्यादा क्या होती है, लड़ाकू होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, लड़ाकू नस्ल होती है। उसका नाम क्या है, टोडा इसका नाम रहेगा, लड़ाकू है। कैसी है, लड़ाकू। आपको यहाँ से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में यहाँ से आ रहा है, मुर्गी की जो लड़ाकू नस्ल है, फाइटिंग ब्रीड है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमने अभी पोल्ट्री पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पोल्ट्री बहुत बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, 11th क्लास के बच्चे, 12th वाले बच्चों, सबको खूब बार पढ़ा रखा है। उसका नाम आपको लिखे भेजना है, उसका नाम आपको लिखे भेजना है प्यारे बच्चों। असील जवाब आ चुका, राजू मेला, बिल्कुल आपका जवाब असील है। जैन का भी जवाब असील आ चुका है, उससे पहले साहिल शर्मा, बोचलिया, सब बच्चों ने असील जवाब दिए हैं। असील असानी के लिए काम आती है, ऐसे हमने याद कर रखा है। सबसे ज्यादा कैसी है, फाइटिंग ब्रीड है। सबसे ज्यादा कैसी है, फाइटिंग ब्रीड है। हाँ, वही बात करते हैं हम, जब चौराहे पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सुनते हैं शाहरुख खान लड़ेगा सलमान खान से, इस प्रकार के जो लड़ाकू नस्ल है वो कौन सी है, साहिल नस्ल है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अपना सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं 2-3 दिन से क्लास अपने 2 दिन से नहीं लग पाई, तो कुछ बच्चे कुछ शेर अभी सोए हुए हैं, मेरे को लगता है शायद वो जिम्मेदारी आप कई बच्चों ने बिल्कुल निभा नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिनकी जिम्मेदारी जो बनती है वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हो। बच्चों फ्री ऑफ क्लास लग रही है आप लोगों के, कोई रेंट नहीं है ऑनलाइन क्लासेज के लिए इनके लिए, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, शेर तो बनता यार, इतनी जो मेहनत करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप किया है, तो एक शेर तो बनता है, वो आपको करना है, और कहाँ दिक्कत आ रही है। आप भला करने का कार्य कर रहे हो, संस्था निशा फाउंडेशन की जो टीम है लगातार काम कर रही है, नया सिस्टम डेवलप किया है, किसके लिए, भले के लिए किया है, और आपके आपका जो भविष्य है उसको उज्जवल करने के लिए किया है। हो सकता है आपका जो एक शेर है वो किसी बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में पहुँचा दे, तो शेर तो बनता है, एक बार शेर जरूर करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना सेक्शन आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अपनी ट्रिक की बात करें, अगर भैंस की नस्ल अपन को याद रखनी है, भैंस की नस्ल हम लोगों को याद रखनी है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक हम लेते हैं, वो सिंपल ट्रिक हम लोग लेते हैं, परा व मुन्ना दो है, एक का नाम क्या है परा और एक का नाम क्या है मुन्ना। परा व मुन्ना बजा सुर में, यानी परा और मुन्ना है, उनको हम क्या करें कि आपको बजाना है, लेकिन किस में बजाना है, सुर में बजाना है प्यारे बच्चों, किस में बजाना है, एक सुर और एक ताल में उनको बजाना है, यही अपने को याद रखना है। हम भी प्रयास करते हैं कि एक सुर और एक ताल के साथ आपको पढ़ाया जाए, और अपना जो सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपको बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन कर दे, इस प्रकार का सेक्शन बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पैसे क्या बनेगी, पांडरपुरी बनेगी बच्चों, पैसे क्या बनेगी, पांडरपुरी बनेगी। रास से रावी बनती है, रास से क्या बनती है, रावी बनती है, और मुंह से क्या बनता है, मुर्रा।
मुंह से क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, मुर्रा मुर्रा नस्ल है, और ना से नागपुरी नस्ल मैंने आपको बताई है अभी, सबसे हल्की फुल्की नस्ल है, सबसे कैसी है, हल्की फुल्की नस्ल है। और वैसे क्या बनेगी, बदावरी, वैसे क्या बनेगी, बदावरी। बदावरी का नाम आते ही अपने मुंह से यही निकलता है, वारे बदा, वारे बदा, बड़ी प्रशंसा वाली नस्ल है। आगे अपने पढ़ेंगे क्या क्या इसमें विशेषता पाई जाती है, क्यों हम यू कहते हैं वारे बदा, वारे बदा। आगे देखिए दोस्तों, जासे क्या बनेगा, परा व मुन्ना बजा, जासे क्या बनेगा, जासे बनेगा जाफराबादी, जासे क्या बनेगी, जाफराबादी। सूर से क्या बनेगी, सूरती बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। रसे क्या बनेगी, रथ बनेगा, और मे से क्या बनेगी, मेहसाना नस्ल बनेगी, मुरा और सूरती के संकरण से बनी हुई है मेहसाना, जिसका सबसे बड़ा दुग्ध काल होता है, जिसका सबसे बड़ा 310 दिन से भी अधिक दुग्ध काल इसका पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका सबसे अधिक दुग्ध काल पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है, मेहसाना है। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, मेहसाना नस्ल है। तो इस प्रकार से ट्रिक है, ट्रिक से हम बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हैं। पराव मुन्ना आपको बजाना है किसमें, सुर में। पराव मुन्ना आपको बजाना किसमें है, सुर में बजाना मेरे प्यारे बच्चों, किसमें बजाना है, सुर में। और बिल्कुल सिंपल से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल एक एक चीज आपको अच्छे प्रकार से याद आ चुकी होगी। इसके बाद में हम लोग देखें एशियन पशु है, इसको एशियन पशु भी कहते हैं, ब्लैक डायमंड के नाम से भी इसको जानते हैं। और भारतीय जो बफेलो है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे मुर्रा इस प्रकार की जो भारतीय बफेलो को अपने क्या करते हैं, वाटर बफेलो कह देते हैं। और मुर्रा जो नस्ल है उसको हम क्या कहते हैं, देहली बफेली को नाम से भी वो प्रसिद्ध है। भैंस का जो और सामान्य बात करें तो भैंस का जो मीट है उसे क्या कहेंगे, मीट को हम कहेंगे बफन। भैंस का जो मीट है प्यारे बच्चों, मीट को किस नाम से आप जानोगे, मीट को हम कहेंगे बफन के नाम से। वैसे वैसे भैंस और वैसे क्या होगा, बफन। भैंस की जो प्रजनन की क्रिया है, भैंस की जो प्रजनन की क्रिया है उसको हम सर्विंग कहते हैं, सर्विंग कहेंगे। इसका जो गर्भकाल है लगभग 310 दिन का होता है, गर्भकाल 310 दिन का, इससे अधिक किसका होता है, ऊटनी का होता है प्यारे बच्चों। 390 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। गाय का जो गर्भकाल है 280-282 दिन होता है। और भैंस का कीचड़ में नहाना, कीचड़ बड़ा पसंद करती है, पानी में रहना बहुत पसंद करती है, गर्मी इसको बहुत ज़्यादा लगती है। इस समय आपको भी गर्मी ज़्यादा लग रही होगी, तो भैंस जब कीचड़ में नहाती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वेलोविंग कहते हैं प्यारे बच्चों। उस क्रिया को क्या कहते हैं, वेलोविंग कहोगे, क्या कहोगे प्यारे बच्चों, वेलोविंग के नाम से इसको जाना जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वेलोविंग कहते हैं हम। ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, और हमें पढ़ना पढ़ाना नहीं है, केवल हमें क्या करनी है, आपस में बातें करनी है, और बातें करते करते हम इसको बहुत अच्छे प्रकार से, हाँ जवाब आ चुका है, वेलोविंग कहते हैं, बिल्कुल फैक्ट आपका जवाब है। जवाब आप लिखो ताकि आपकी हर एक हेजिटेशन होगी वो दूर होती चलेगी, और बहुत अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी होती रहेगी। उसके बाद में अपने आगे बड़े प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी, ये है आपकी मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल है वो अपने स्टार्ट किया है। इसके बाद में अपने ये देखिए आप कितनी शानदार प्रकार से आपका युवराज आपके सामने स्टार्ट है, खड़ा है, आपको बुला रहा है क्लास के अंदर युवराज कि आइए आपको क्लास लेनी है, आज का सेक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुर्रा नस्ल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, मुर्रा जो नस्ल है उसकी मेन विशेषता अपने आपको पता है कि ये बिल्कुल ब्लैक रंग की स्याह काली होती है, और थोड़ी हष्टपुष्ट पाई जाती है। हालांकि सबसे जो हष्टपुष्ट सबसे भारी नस्ल होती है वो तो आपके सामने अभी बाद में आएगी, जाफराबादी, लेकिन ये जो नस्ल है सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देती है। सबसे अधिक क्या देती है, दुग्ध उत्पादन। एक तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन है, सबसे अधिक क्या होता है इसका, मिल्क प्रोडक्शन होता है। सबसे अधिक क्या होता है इसका, मिल्क प्रोडक्शन होता है। दूसरी बात आप इसमें विशेषता देख रहे होंगे, हालांकि ये जो सींग होते हैं, ये सींग आप देखो किस प्रकार की है, बिल्कुल सींग है ना, वो क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। सींग कैसे होते हैं, इस प्रकार से घुमावदार होते हैं, जलेबी नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, जिस प्रकार जलेबी में क्या होता है, घुमाव पाया जाता है, वैसे इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सींग जो होते हैं ना वो कुंडी प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको कुंडी भी कह देते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसको, कुंडी के नाम से भी हम इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर हुई बात, उसके बाद अपने आगे बढ़े।
इसको दहली बफेलो भी कहते हैं, क्योंकि जो अपना इंडिया का जो क्षेत्र है, अपने इंडिया का जो क्षेत्र है, तो ये राजस्थान अपने यहाँ पे रहे, तो ये जो इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अलवर, इस प्रकार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? मुर्रा नस्ल पाई जाती है। NCR क्षेत्र में मुर्रा नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, पूरे विश्व की सबसे क्वालिटी जो भैंस है वो पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको क्या कह देते हैं? दहली बफेलो, बफेलो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दहेली बफेलो। किस नाम से जानोगे? दहेली बफेलो के नाम से जाना जाता है। ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े। इस प्रकार की जो नस्ल रही, और मुख्य बात इसकी ये है कि सींग, जैसे अगर देखें तो सींग कैसे होते हैं, इसके सींग बिल्कुल घुमाव आकार के होते हैं, इसलिए इसको कुंडी के नाम से भी अपने जानते हैं। और दुग्ध उत्पादन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। 2000 लीटर से लेके 2500 लीटर तक अपन इसको याद रख सकते हैं। 2000 से लेके 2500 लीटर है इतना प्रति बहुत इसका दुग्ध उत्पादन होता है। फैट की बात करें, इसमें जो फैट है मिल्क के अंदर, फैट की बात करें तो 7% इसमें क्या होता है? फैट होता है। कितना परसेंट प्यारे बच्चों? 7% क्या होता है इसमें? फैट कॉन्टेंट पाया जाता है। ये मुख्य मुख्य बातें आपको इसकी क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े। उपनाम मैंने इसका बता दिया कि इसका उपनाम हम किस नाम से जानते हैं? दहेली बफेलो के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? कुंडी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? कुंडी के नाम से भी जानते हैं। मूल स्थान इसका है, उत्पत्ति स्थान की बात करें, ओरिजिन पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जो जो राजस्थान को टच करता है, जो राजस्थान को कवर करता है, राजस्थान और हरियाणा जो क्षेत्र है उसको टच करता है, और दिल्ली क्षेत्र हो गया, हरियाणा क्षेत्र हो गया, और पंजाब क्षेत्र हो गया। ये क्या है इसका? ये इसका उत्पत्ति स्थान है। इस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे पहले इसको देखा गया। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। वही क्या होता है उसका उत्पत्ति स्थान होता है प्यारे बच्चों, वही क्या होता है इसका उत्पत्ति स्थान होता है। और एक बात और है इसकी, अगर मुख्य विशेषता आप लोग देखना चाहोगे, एक विशेषता और होती है इस नस्ल की। ये क्या करती है, आप रात्रि के समय अगर देखोगे मेरे बच्चों, रात्रि के समय आप देखोगे तो ये क्या करती है, इस प्रकार से रात्रि के समय इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से क्या करती है, अपने सींग को लगातार टच करती रहती है। लगातार क्या करती है? टच करती रहती है। जैसे कोई पायल सी बजती है ना, उस प्रकार की आवाज लगातार आती रहती है प्यारे बच्चों। कई बार तो कुछ मेहमान अपने घर पे आए हुए रहते हैं, उनको ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, रात को पायल जैसी आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो आवाज किसकी आती है प्यारे बच्चों? मुर्रा की मेन विशेषता होती है। किसकी होती है प्यारे बच्चों? मुर्रा की मेन विशेषता होती है। उसके बाद अपने आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें अपने विशेषताओं की बात करते हैं। अब इसके बाद विशेषताओं की बात करते हैं। गहरा काला रंग होता है, बिल्कुल इसको जेट ब्लैक के नाम से जानते हैं। स्याह काला, गहरा काला, या किसके नाम से? स्याह काला के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल गहरा काला इसका क्या होता है? रंग होता है प्यारे बच्चों। पूंछ, चेहरे और पैरों के किनारे हिस्से पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो मुंह है पूछ है, वहां पे गोल्डन कलर के बाल भी पाए जाते हैं। इसमें गोल्डन कलर के क्या होते हैं? हल्के हल्के क्या होते हैं इसमें? मूछ जैसे क्या पाए जाते हैं इसमें? बाल पाए जाते हैं। और उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? गोल्डन होता है। उनका सुनहरा रंग होता है प्यारे बच्चों। उन बालों का रंग, जो बाल है उन बालों का रंग कैसा होगा? उन बालों का रंग कैसा होगा प्यारे बच्चों? सुनहरा रंग होगा। कैसा रंग होगा? सुनहरा रंग होगा। ललाट विस्तृत होता है। हालांकि जो एक प्रश्न एक बार आया हुआ है, गुंबद आकार का जो सिर है वो कौन से नस्ल का होता है प्यारे बच्चों? गुंबद आकार का, जो बहुत बड़ा विकास आकार का गुंबद यानी विकास, वो तो ऐसे विशेष तौर से होगी। तो छोटा आती है अपनी जो जाफराबादी है, उसका जो सिर होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, गुंबद आकार का होता है, उसको भी अपने को याद रखना है। सींग छोटे होते, बिल्कुल सींग कैसे होंगे? छोटे होंगे और अंदर मुड़े हुए होते हैं। जलेबी आकार के कैसे सींग पाए जाते हैं? किस आकार के सींग? जलेबी नुमा सींग पाए जाते हैं। जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। पूंछ लंबी व पतले अयन विकसित होते हैं। अयन कैसे होते हैं? पतले होते हैं प्यारे बच्चों। अयन कैसे होते हैं? पतले। तो मेन विशेषता आपको मैंने इसमें बता दी है। मेन विशेषता इसमें क्या रहेगी? एक तो इसका रंग जो होता है ना, स्याह काला होता है, बिल्कुल काली पाई जाती है। दूसरी बात, इसके मुंह के ऊपर और पूंछ के ऊपर क्या होते हैं? गोल्डन कलर के बाल पाए जाते हैं। सींग जलेबी नुमा आकार के होते हैं और सींग छोटे होते हैं प्यारे बच्चों। सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन है, तो आयन और थन का विकास इसमें क्या होता है? अधिक होता है।
अयन और थन जो हैं उनका विकास क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक होता है। इसके बाद में अपने बात करें, पूजा बिटिया पूछ रही है मॉर्निंग में केमिस्ट्री की क्लास थी क्या, आज नहीं हो पाई मेरे प्यारे बच्चों, कल से बिल्कुल क्लास ऑफ रही अपनी, नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी वजह से अपने क्या है क्लास को लाइव नहीं कर पाए। और प्यारे बच्चों एक और विशेष सूचना आपको मैं दे दूं कि अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइए और वहां जाके अपना जो प्ले स्टोर के ऊपर निशा फाउंडेशन नाम से जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करना आप लोगों को है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स वहां कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट हित में भी दिए हुए हैं, 2-3 टेस्ट भी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, उनको भी आपको सोल्व करना है। और वहां उसके बाद में आपको क्या करना है उस लिंक को उस स्तर तक पहुंचाना है जिस स्तर की जिस क्वालिटी के लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ है उस क्वालिटी को पूरे राजस्थान में आपको लेके जाना है, और लिंक को शेयर भी आपको करना है प्यारे बच्चों, लिंक को शेयर जरूर आपको करना है, ये आपकी क्या है जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी क्या है जिम्मेदारी है। तो जो डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो लिंक दिया हुआ है पहले उसको डाउनलोड करना है, फिर उसको क्या करना है शेयर करना है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां मिलेगा आप लोगों को। और कई बार क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे तो वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है उसको भी आपको ओपन किया जाएगा। और एक और विशेष सूचना मैं आपको दे दूं प्यारे बच्चों, जैसे मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि आपके लिए भी ये जो ई लर्निंग का सिस्टम है डिजिटल सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम ही है, संस्था भी ये फर्स्ट टाइम ही करवा रही है, अलग एक साल से काम चल रहा है लेकिन ज़्यादा इसका यूज अब इस समय हो रहा है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी सूचना लेनी है तो प्लेलिस्ट में आपको जैसे अपना यूट्यूब चैनल है उसको खोलने के बाद में एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कम्युनिटी, वहाँ आपको जाना है, और वहाँ जाने के बाद आज की क्लास लेट है टाइम पे हैं या किसी वजह से नहीं हो पा रही हैं तो सारी चीज़ें वहाँ आपकी जो प्लेलिस्ट में कम्युनिटी जो सिस्टम दे रखा है कम्युनिटी ऑप्शन में हर एक चीज़ वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। आपको आज के बाद जो भी संस्था से जो भी कुछ होगा टेस्ट होगा कुछ भी आपका होगा या आपने बिफोर क्लास मिस कर दी है कुछ भी आपको हो आपको यहाँ पे अपडेट लेनी है तो ताज़ा अपडेट के लिए आपको क्या करना है कम्युनिटी ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे जो नवीनतम आपके पास अपडेट है उसको आपको प्राप्त करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। मेरे हिसाब से आपको बहुत आनंद आ रखा होगा तो मुर्रा नस्ल की हमने बात की और मुर्रा बल्ब आप पूछो मत, मुर्रा का जो प्रजनन केंद्र है एक प्यारा क्वेश्चन आपको मैं चलो दे ही देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये है कि मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में है ये मैं आपको बता दूँ, राजस्थान में ही है लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज भी है महाविद्यालय भी है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है जहाँ पे मुर्रा नस्ल का क्या है प्रजनन केंद्र है। मुर्रा नस्ल का क्या है मेरे प्यारे बच्चों प्रजनन केंद्र है, उसका नाम तुरंत लिखे मेरे को बता पहुँचाइए। सर कैसे डाउनलोड करें, आप जो लिंक दे रखा है उस लिंक के ऊपर जाते क्लिक कर दें उसके बाद वन बाय वन स्टेप आपके सामने रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो मैं आज बनाऊंगा आपके लिए कि किस प्रकार आप अपने निशा फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें ऑप्शन है, ये सारी वीडियो मैं आज बनाऊंगा। सर इस लिंक पे तो पहले ही सिंग अप कर दिया आप लोगों ने तो आपको नवीनतम जो है उसको अपडेट करना होगा, आपको कल तक क्या है उसको अपडेट कर लो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिस्टम लगातार चलेगा। जो मैंने प्रश्न दिया है उसका जवाब आपको देना है प्यारे बच्चों। हाँ निशा टीम ने जो अपने टेक्निकल टीम है उसने लिंक भेज दिया है प्यारे बच्चों, उस लिंक को आपको पूरा वहां से आपको डाउनलोड करना है, वहां से पूरी आपको अपडेट देनी है। संगीता बिटिया करिए कर लिया बहुत अच्छी बात है बड़ा बधाई हो आपको। जो दीपिका बिटिया है उसका जवाब आ रहा है वल्लभ नगर, नहीं बेटा वल्लभ नगर तो अपने बेस प्रजनन केंद्र है, वल्लभ नगर तो क्या है बेस का प्रजनन केंद्र है। मैंने मुर्रा के लिए पूछा है, मैंने ये पूछा है मुर्रा नस्ल है उसका स्पेशल एक प्रजनन केंद्र है, स्पेशल प्रजनन केंद्र बना रखा है उसका आपको जवाब देना है। उदयपुर, नहीं बेटा उदयपुर कहाँ आएगा, बीकानेर, बीकानेर वल्लभ नगर बीकानेर इस प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। अभी भी सही जवाब है उसकी मेरे को कमी महसूस हो रही है, सही जो जवाब है उसकी कमी है। सावरमल जाट जिनसे लगभग क्वेश्चन में यूँ मानता हूँ कि सही अटेम्प्ट करते हो आप, वो जवाब भी आपका अभी तक सही जवाब की आवश्यकता है मेरे पास रिक्वायर है, सही जवाब नहीं आ पा रहा है। अजमेर बीकानेर बिल्कुल नहीं,
बस्सी जर्सी गाय के लिए है बेटा बस्सी। बीकानेर, बीकानेर रूपगढ़, रूपगढ़ के तो आप हो शायद, तो रूपगढ़ थोड़ी होगा। नहीं बेटा, हिसार, जयपुर, आप तो सारे ऑप्शन लिए, इनके अलावा और कहीं नहीं है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप नोट कीजिए, और बहुत ही शानदार वाला जवाब है कुंबेर भरतपुर। कुंबेर भरतपुर, जहाँ हाल ही में कुछ ही वर्षों पहले क्या है, एग्रीकल्चर का महाविद्यालय स्टार्ट हो रखा है, और वहां पे अपने भरतपुर में ही कुंबेर में क्या है, कुंबेर के पास में जो भरतपुर में सेवर इंस्टीट्यूट है, सेवर में क्या है मस्टर्ड का इंस्टीट्यूट है, रेपसीड क्रॉप है उनका इंस्टीट्यूट भी है, और कुंबेर के अंदर क्या है अपने मूरा नस्ल का प्रजनन केंद्र बना रखा है। थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। सर पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं बड़े प्यारे बच्चों, लेकिन आज के बाद आपको पता होना चाहिए कुंबेर है। मैला जी का बिल्कुल सही जवाब आपका आया है, कुंभेर में है। हाँ बेटा, इसको लिखना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा होगा, देश की अच्छी अच्छी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, मुर्रा नस्ल की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ये नस्ल क्या है, मुख्य नस्ल है। व्यावसायिक अगर दृष्टि से देखें तो जो मुर्रा नस्ल है ये सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भी देती है, और 7% फैट पाया जाता है। घी पर्पज के लिए ज्यादा इसका यूज करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में क्या करती है, दुग्ध उत्पादन देती है, इतनी ज्यादा मात्रा में क्या करती है, दुग्ध उत्पादन देती है। प्यारे बच्चों, तो बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। दुग्ध उत्पादन की मैंने बात की, 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यवहार इसका दुग्ध उत्पादन है, 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति व्यक्ति का इसका दुग्ध उत्पादन है, और 7% वसा पाई जाती है, और सबसे अधिक घी के लिए अगर देखें, सबसे अधिक घी के लिए देखें तो मुर्रा नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही नस्ल अपने काम आती है, और मुर्रा की ही देन है प्यारे बच्चों, जो सर्दियों में आप तरोताजा हो जाते हो। सर्दियों में कैसे हो जाते हो, तरोताजा हो जाते हो। आप ये भी कहोगे सर ताजा तो हम अभी भी हो रखे हैं, अभी तो आपने कोविड महामारी है उससे लड़ने के लिए आप ताजा हो रखे हो, और दो दो तारीख को जो अपना जेट का एग्जाम है उससे लड़ने के लिए भी आप क्या हो रखे हो, ताजा हो रखे हो प्यारे बच्चों। उसके बाद में अपने आगे बढ़े। हाँ सेशमा जी कह रहे गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, हमारी ओर से गुड इवनिंग तो आपको कभी की बोल दी, 4:15 पे हम आ चुके थे और वहीं आपको कह दिया था गुड इवनिंग। और इसके बाद में आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो नस्ल आ रही है बदावरी आ रही है प्यारे बच्चों। बदावरी नस्ल है, इंपोर्टेंट नस्ल है, और मेरे बदावरी नाम निकलते ही मेरे दिमाग में यूं है, वारे बदाए, क्या क्या शब्द दू आपके लिए, कैसे कैसे शब्द आपके लिए काम में लू। बदावरी आपकी बात ही अलग है, पूरा विश्व कहता है बदावरी को, पूरा विश्व कहता है, क्योंकि इसमें जो तो फेट कॉन्टेंट है, वसा की प्यारे बच्चों मात्रा पाई जाती है वो 12 से लेकर 14% तक पाई जाती है, सबसे अधिक वसा पाया जाता है। इसके दुग्ध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वसा कंटेंट पाया जाता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वसा की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वारे बदा। बदा आप बिल्कुल अद्भुत हो, फैट कंटेंट आप में 12 से 14%, जब हम मिल्क की टोकरिया भर के लेके जाते हैं, और जब बदावरी नस्ल का दुग्ध हम सेल करते हैं, फैट कंटेंट जब हमारे पास 12 से 14 होता है, तो हमारे चेहरे के ऊपर बिल्कुल शानदार वाली सी स्माइल हो जाती है कि आज का दुग्ध तो अपने 50 रुपये लीटर से भी अधिक बिका होगा, जो भी प्राइस आपकी रहती है, लेकिन स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है अगर दुग्ध किसका है, बदावरी का। हाँ लेकिन बदकिस्मती ये भी है हमारी कि इसका दुग्ध उत्पादन काफी कम होता है, इसका दुग्ध उत्पादन है लगभग 1250 लीटर के आसपास प्रति व्याहृत होता है। तो दूसरी तरफ हम मुर्रा देखते हैं, मुर्रा 2500 लीटर दुग्ध देती है, ये इसका जस्ट आधा दुग्ध दे रही है, कितना, 1250। लेकिन मुर्रा में फेट कितना था, 7, यहाँ फेट कितना है, जस्ट डबल, दुग्ध आधा है लेकिन फेट कितना है, 7 से 14, जस्ट ज्यादा है। ऐसे भी याद कर सकते हो, मुर्रा से जस्ट डबल हो जाएगा, दुग्ध आधा हो जाएगा तो फेट क्या हो जाएगा, मुर्रा से डबल हो जाएगा। एक साथ हम क्या कर सकते हैं, दोनों जो नस्ल हैं उनकी बातों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, इसका जो उत्पत्ति स्थान है बदावरी का, मूल स्थान बदावर क्षेत्र है, कहां का, आगरा, आगरा कहां है, यूपी में, आगरा क्या कहां प्यारे बच्चों, यूपी में है, ठीक है। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है अपना यूपी क्षेत्र में है, यहां जो है इस क्षेत्र में यहां पाई जाती है। अपने राजस्थान में बात करें तो ये नस्ल कहां मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा एक तो भरतपुर में मिलेगी, और कहां मिलेगी, धौलपुर में मिलेगी। भरतपुर और धौलपुर सबसे शानदार वाले यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, आक्रामक प्रकृति के लोग पाए जाते हैं, उनकी सूर्य के जो मान सम्मान है बिल्कुल छोटी सी बात भी आपको पता है वो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का क्षेत्र है कौन सा, अपना भरतपुर और
धौलपुर क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है, और काफी बदमाश क्षेत्र है वैसे देखे तो ये, झगड़ा प्रकृति झगड़ालू जो प्रकृति है वो ज्यादा यहाँ पाई जाती है। हालांकि नस्ल पर झगड़ालू कौन सी है, सबसे ज्यादा भैंस की झगड़ा नस्ल मैंने बताई है, टोडा नस्ल है वो बहुत है, उसके जो सींग भी है ना वो तलवार नुमा होते हैं, और लड़ाकू नस्ल पाई जाती है, उसकी प्रकृति ज्यादा कैसी होती है, लड़ने जैसी होती है। इसके बाद में आगे बढ़े, भदावरी की विशेषताओं की बात करिए, शारीरिक विशेषता तांबे जैसा रंग पाए जाते हैं, इसका जो कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, तांबे जैसा इसका रंग होता है, मध्यम इसका आकार होता है, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है, अर्थार्थ में यूं कह दूं अपनी नाव जैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनता है कि नौकाकार किस, नौकाकार जो आकार है वो भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, वो कौन सी प्यारे बच्चों, भदावरी है। रंग कैसा होगा, तांबे जैसा रंग कैसा होगा प्यारे बच्चों, तांबे जैसा इसका रंग होगा। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, सिर कैसा होता है, छोटा होता है, सींग चपटे हुए होते हैं, गर्दन पतली होती है, दड़ विकसित होते हैं, अयन छोटे परंतु दूध सिराए उभरी हुई होती हैं। एक आपको और बता दूं, इसके जो अयन है प्यारे बच्चों, इसके जो अयन है वो अयन कैसे होते हैं, गुलाबी आकार के होते हैं। अयन जो है वो अयन कैसे होते हैं, गुलाबी आकार के होते हैं। हालांकि दुग्ध उत्पादन कम होता है, लेकिन लेकिन क्या है, अयन जो है उनमें सिराई दिखाई देती है। चाय भाई पीते पिलाते रहेंगे तो अपना सेक्शन बड़ा आनंद वाला होता रहेगा, और अपना वीडियो बिल्कुल गार्डन गार्डन करते वाला, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि आज का एक से डेढ़ घंटे का जो टाइम है कैसे बीत गया, और पढ़ते पढ़ते बातें करते करते बिताना अपन को टाइम आगे बढ़ाना है बच्चों। इसके बाद में आगे बढ़े, हाँ हर एक चीज को अपने माइंड में नहीं लेना है, बस आगे बढ़ना है एंजॉय के साथ, उत्सवों के साथ हमें आगे बढ़ता है, उत्सवों के साथ क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। आए छोटे, ये सारी बातें हो चुकी हैं, पहले ही हमने बात कर चुके कि इसका दुग्ध उत्पादन कम है, 900 से 1200 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन है, मुर्रा नस्ल से काफी आधा कम होता है, और फैट कंटेंट देखिए 13% और भैंस की नस्ल में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक फैट कंटेंट पाया जाता है, और मुर्रा क्या देती है, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देती है, मुर्रा क्या देती है, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देती है। ये सारी बातें किसकी है, भदावरी की है, आगरा का भदावर क्षेत्र है, यूपी और यूपी के टच में अपने जो क्षेत्र है वहां ये पाई जाती है। दोस्तों इंपोर्टेंट चीज यहां से ये भी बनती है, आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से नस्ल राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है, उसको अपन पढ़ेंगे। ये आजकल का जो प्रश्न का जो प्रारूप है वो चेंज हो चुका है, कौन सी नस्ल कहां कहां पाई जाती है, कौन सी नस्ल कहां कहां पाई जाती है, जैसे हमने गाय में पढ़ा वैसे ही प्रश्न कहां भैंस में भी आ सकता है, वो सारी चीजें अपन को याद रखनी है। जिस प्रकार प्रश्न का आने के तरीके चेंज हो चुके हैं, उनका मेथड चेंज हो चुका है, हमें भी अपने ज्ञान को क्या करना है, आगे से आगे अपने आप को मॉडिफाइड करते हुए आगे से आगे बढ़ना है। हर एक वीडियो में हर एक चीज में आपको कुछ नई चीजें मिलती मिलेगी, और पुरानी चीजों को हम अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही अपने को 2 अगस्त तक क्या करना है, आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, हाँ वेट इसमें दे रखा है 500 से 600 केजी। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, आपसे ये पूछे कि इस नस्ल का वेट कितना होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सबसे बारी कौन सी है, जाफराबादी, सबसे हल्की कौन सी है, नागपुरी, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। सब इलायचपुरी जिसको हम कहते हैं वो आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक आप अगर वजन याद करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल काम है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रश्न भी इस प्रकार के ज्यादा नहीं बनते हैं। उसके बाद में अपना आगे बढ़े, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, गुरुजी ऑफ लाइन बता रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट दे क्या पूछना चाहते हो, आप जो भी पूछना चाहोगे उसका आपको जवाब थोड़ा सा स्पष्ट लिखे, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर एक चीज आपको अच्छी मिलेगी, और बिल्कुल आपको क्या मिलेगी, अपडेट मिलेगी, और बिल्कुल विश्वास मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चों, विश्वास मिलेगा, विश्वसनीय चीज रहेगी आपके पास। आगे अपने बढ़ते हैं, तो यहां हमने भदावरी में बात की, भदावरी में आगरा का भदावर क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा, और अलवर धौलपुर और भरतपुर में बिल्कुल यूपी के टच वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, और फैट कंटेंट इसमें 12 से 14 होता है, तांबे जैसा रंग होता है, नौकाकार होती है, कैसी होती है, नौकाकार होती है, अयन गुलाबी आकार के होते हैं, अयन पे सिराई होती है ना वो कैसी है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, सिराई क्या होगी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चों। दिनेश का जवाब आ रहा है,
महेश यादव वीडियो नहीं दिख रहा है आपके का लाइव, बिल्कुल वीडियो लाइव है, आप थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है उसको देखिए, या फिर साइड में जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं वहां से क्वालिटी बढ़ाइए। कमल कांत जी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए और यहां से बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अपडेट सिस्टम है। और प्यारे बच्चों जो अपना जो लाइव का जो चल रहा है वीडियो के ऊपर लाइव जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्या करो, एक दो बार लाइन से क्या करना आपको क्लिक करना है ताकि नवीनतम जो है उससे आप रुक पाओ, अच्छे प्रकार से जुड़ पाइए। कई बार रुक जाता है तो लाइव का जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्या करना है, एक दो बार आपको क्या करना है क्लिक करना है। वीडियो चल रहा है प्लीज रिफ्रेश, हाँ प्लीज आपको रिफ्रेश करना है, लाइव बटन में आपको दबाना है। और गणपति जी सर आ चुके हैं, गुड इवनिंग, बिल्कुल हाँ, जो लाइव ऑप्शन है उस पर आपको कभी कभार एक दो मिनट से क्या है 5-7 मिनट से आपको क्या करना है उस पर नवीनतम रिफ्रेश कर ले, बिल्कुल अपडेट आपको मिलेगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी, भैंस में सर्वाधिक फैट पाई जाती है और नौकाकार तांबे जैसा रंग होता है, इस प्रकार की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। ये है अपनी जाफराबादी, ये कैसी नस्ल है प्यारे बच्चों, जाफराबादी नस्ल है। आप देखो किस प्रकार की नस्ल है, आपको दिखाने का प्रयास करता हूं मैं कितनी किस प्रकार की नस्ल आपको दिख रही है। ये जो नस्ल है उसको आप अच्छी प्रकार से देखिए, इसको हम छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं और वैसे तो ये आपको पूरा का पूरा हाथी दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको कहने में क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से हम इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं हम इसको, मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जानते हैं, छोटा हाथी इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, छोटा हाथी। इंग्लिश में क्या कह सकते हो, मिनी एलिफेंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मिनी एलिफेंट कह सकते हो प्यारे बच्चों। इसके अलावा बात करें सबसे बारी नस्ल है, देख रहे हो आप बारी में तो बिल्कुल भैंस की ऐसी नस्ल है, बारी नस्ल है और हाथी जैसी दिखाई देती है। और यहां से प्रश्न भी इसका आ सकता है, इसके जो सिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिंग इस प्रकार के आकार के होते हैं, पीछे जाके उसके बाद उसमें क्या होता है, घुमाव होता है, सिंग पीछे जाएंगे और फिर क्या होगा, घुमाव होगा। तो ये इस प्रकार की विशेषता जाफरावादी में होती है, किसमें होती है, जाफरावादी में होती है। छोटा हाथी होता है, बिल्कुल शानदार वाली नस्ल है जाफराबादी। उत्पत्ति स्थान इसका है वो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, काठियावाड़ का गुजरात जो क्षेत्र है वो क्या है, काठियावाड़ जो जंगल गिर में हमने पढ़ा था, गिर गाय की नस्ल थी, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि काठियावाड़ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, उसका ओरिजिन है। और जाफराबादी का ओरिजिन भी कहाँ है, काठियावाड़ का गिर जंगल है प्यारे बच्चों, काठियावाड़ का गिर जंगल है। उसके बाद में अपना आगे बढ़े तो इस प्रकार की भारी वर्गम शरीर इसका होता है और पूंछ पे यहाँ पे विशेष रंग के थोड़े हल्के से क्या पाए जाते हैं, इसमें हेयर पाए जाते हैं और थोड़ा सा शरीर इसका बहुत शानदार प्रकार का होता है। तो सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी, छोटा हाथी के नाम से इसको जानते हैं। और प्यारे बच्चों सूरती और जाफराबादी हैं, सूरती और क्या है, जाफराबादी हैं, इनको वैसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला हुआ बेस का, सर्वश्रेष्ठ जो सूरती है, सूरती और जाफराबादी को क्या है, सर्वश्रेष्ठ जो बेस की नस्ल है उनका पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। भारी भरकम शरीर होता है, बिल्कुल भारी भरकम तो आपको दिख ही रहा है राजकुमार जी, कितनी भारी भरकम है, हमने नाम ही इसको ये बताया है कि ये छोटा हाथी है। हालांकि जो भैंस की नस्ल में आपके सामने तस्वीर लेके आया हूं वो तो पूरी की पूरी आपको कैसी दिखाई दे रही है, बड़े हाथी जैसी दिखाई दे रही है। दराती आकार के, सावरमल का जवाब आ रहा है सर दराती आकार के हैं, लेकिन एक्चुअली जो अपने दराती आकार जो कहेंगे वो हम जो सूरती नस्ल हैं, सूरती नस्ल हैं उसके जो सींग है ना वो कैसे होते हैं, हस्याकार होते हैं, या हसिया को हम दराती कह देते हैं। और तलवार नुमा जो नस्ल मैंने बताई वो उसके सींग कैसे होते हैं, टोडा जो है, टोडा नस्ल है, उसके सींग तलवार जैसे होते हैं। हसिया या दराती आकार अगर शब्द कहाँ में लें तो ज़्यादातर हम लेंगे सूरती में लेंगे प्यारे बच्चों, ज़्यादातर कहाँ लोगे, सूरती में लोगे। वारे जाफरावादी, बिल्कुल जाफरावादी वाक्य लायक ही है, शानदार वाली नस्ल है प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपनाम हम पहले पढ़ चुके हैं इसका, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, मूल स्थान जाफरावादी की ओर है, ये काठियावाड़ जो गुजरात का जंगल है, गिर जंगल वहां की है, कहां पे है ये, गुजरात में है। ये बातें हम लोगों ने कहां पढ़ी थी, ये सारी बातें हम लोगों ने गिर नस्ल में, गाय की नस्ल में भी पढ़ा था। उसके बाद विशेषताओं की बात करें, बड़ा व भारी शरीर परंतु गठेला नहीं, बड़ा और भारी शरीर होता है इसका,
शरीर कैसा होता है? बड़ा होता है और भारी होता है प्यारे बच्चों। रंग इसका काला होता है और मस्तक भारी होता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसका मस्तक इसका कैसा होता है? भारी होता है। यहां आप पेन से एक शब्द लिख लिए, इसका मस्तिष्क गुंबद आकार का होता है। इसका जो मस्तिष्क है प्यारे बच्चों, गुंबद आकार का होता है। मस्तिष्क जो है, सिर वाला भाग है, वो कैसा होता है? गुंबद आकार का होता है। ये शब्द एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो शब्द दिया है, मस्तिष्क भारी होता है प्यारे बच्चों। देखो ये चीजें वही हैं, शब्दों का फेर होता है। अगर हमने एक ही चीज को बार बार अच्छी प्रकार से पढ़ा तो हर लाइन अपने दिमाग में होगी और क्वेश्चन यहीं से आता है। हम क्या करते हैं, वही हिरण वाला काम करते हैं। कस्तूरी हमारे शरीर के अंदर है, कस्तूरी हमारे पास है। निशा फाउंडेशन आपकी कस्तूरी है, इसका स्टडी मटेरियल आपका कस्तूरी है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। खुशबू आपके पास आ चुकी है, बस उसका स्वाद लेना आपको, बस उसकी खुशबू आपको प्राप्त करनी है प्यारे बच्चों। हर एक लाइन को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है और बार बार इसको पढ़ना है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। किसके साथ? विथ रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, सींग इसके लंबे होते हैं। हमने अभी देखा कि सींग ऐसे कैसे होते हैं, पीछे की ओर लंबे होते हैं और गर्दन के दोनों ओर झुके हुए होते हैं। सींग की बात है, अयन विकसित होते हैं। मादा का पिछला हिस्सा भारी होता है। मादा का पिछला हिस्सा कैसा होगा? भारी होगा। 900 से 1 लगभग 1100 लीटर प्रति व्याव दुग्ध है और 8% क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। एक बात आपको दोस्तों मैं और बता दूं, जो दुग्ध उत्पादन के आंकड़े हैं वो अपने जो बुक है, आरबीएसई बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग क्या कर रखे, पूरे आंकड़े चेंज कर रखे हैं और ऑथेंटिक भी यही है। हालांकि जो गाइड कुछ आंकड़े हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ज्यादातर अपने क्या है, जो गवर्नमेंट के जो बुक्स हैं उनके हमारे पास जो आंकड़े रहेंगे उनके साथ हमारे पास एक वित्त प्रमाण रहेगा। वो हमें इस प्रश्न के उत्तर को मानने के लिए विवश है, क्योंकि हम उसके पास रिट लगा सकते हैं कि बोर्ड की जो गवर्नमेंट बुक है उसमें ये आंकड़े लिखे हुए हैं और वही आंकड़े आपको क्या करने हैं, याद करने। प्यारे बच्चों वही जो प्रश्न है वो क्या करने, आपको याद करने हैं। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, जैन साहब का है, मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। अरे प्यारे बच्चों मोटिवेट तो आप खुद ही हो। मोटिवेट आपको करने की कहां आवश्यकता है, आपके अंदर तूफान है प्यारे बच्चों, आपके अंदर तूफान, आपके सपने हैं, आपकी जिद, आपका जुनून है, वो आपके अंदर समा रखा है। आपने पूरे समुद्र को यहां समा रखा है, बस उसको आपको क्या करना है, 2 अगस्त को बाहर निकालना है। कब निकालना है? 2 अगस्त को बाहर निकालना है और पेपर की धज्जी आपको उड़ा के आनी है प्यारे बच्चों। और उसके बाद में अपने आगे बढ़े, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जीत आपकी पक्की है प्यारे बच्चों। अगली नस्ल के ऊपर चलते हैं, सूरती। अगली नस्ल पे अपन चलते हैं, सूरती। गाना तो आपने सुना होगा, वो सूरत वाली बोली सी सूरत है, तो उसी गाने को आपको याद रखना है। सूरती नस्ल है और शानदार वाली नस्ल है प्यारे बच्चों। एक बार इसको आप देख लोगे तो मनमोहित हो जाओगे, इस प्रकार की नस्ल है ये। हालांकि अभी तो आपको देख रही है सूरती जो नस्ल है वो आपको देख रही है कि आप भी कितने भोले बच्चे हो और कितने शानदार प्रकार से अनुशासन से तैयारी कर रहे हो। घर पे बैठ कर भी, गर्भ के साथ घर पे बैठे हुए पढ़ रहे हो और बहुत अनुशासन के साथ पढ़ रहे हो। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूरती नस्ल है और हमने बात देखो, इसके सींग देखो, यहां से देखो, बात यहां पर भी हम करेंगे, इसके सींग कैसे होते हैं। इस प्रकार के हंसी आकार के सींग पाए जाते हैं, जो दराती होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? दराती जो होती है ना, उस प्रकार के सींग पाए जाते हैं। इस प्रकार से दराती तो आप लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी तो इस बार लॉकडाउन ने आपको दिखा दी होगी घर पे। मार्च वाले महीने में, अप्रैल वाले महीने में जबरदस्त आपने दराती देखी होगी, वही दराती की विशेषता यहाँ बात कर रहे हैं हम, वही विशेषता यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, गुजरात का दक्षिणी पश्चिमी भाग है केरा बड़ौदा, वहां ये उसका मेन ओरिजिन है। गुजरात का जो केरा और बड़ौदा जिला है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका ओरिजिन है और उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। गजब वाला क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिमी जो भारत है, मैं एक प्रकार से ये कह दूं, दक्षिणी और पश्चिमी जो भारत है वहां पे सबसे अधिक अगर नस्ल पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है? सूरती पाई जाती है प्यारे बच्चों। वहां पे सबसे अधिक नस्ल पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है? सूरती पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी आपको अच्छी प्रकार से क्या करना है, याद करना है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं सूरती की। सबसे छोटी होती है, सिर चौड़ा होता है, गोलाकार होता है। ये थोड़ा सा शब्द आपको ध्यान रखना है। गुंबद आकार शब्द कहां पे आएगा? जाफरावादी में।
गुंबद आकार का सिर जो सिर है वो किस में होता है, वो होता है आपकी जाफराबादी में। और यहाँ पे आपने देखा होगा गोलाकार जो है राउंड आकार का जो सिर पाया जाता है वो किस में होता है, गोलाकार में होता है। रंग इसका भी काला होता है और भूरा होता है। रंग कैसा होगा सूरती का, काला और भूरा। यहां तक आपने देखा लगभग सभी का नस्ल का रंग कैसा, काला है। केवल भदावरी का कैसा है, हल्का तांबे जैसा रंग होता है उसका, हल्का तांबे जैसा रंग पाया जाता है। उसके बाद बात करें अपने सींग लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और ये शब्द आपको याद रखना है दराती के आकार के होते हैं। लंबी पूंछ होती है, सफेद रंग के दो पट्टियां या एक अदर की और पट्टी पाई जाती है, दूसरे जबड़े के चारों ओर क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। तो ये इसकी मेन मेन विशेषता ही होती है। चेहरे के ऊपर हल्की हल्की क्या पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती है। ये मेन विशेषता भी आपको उसको याद रखना है। उसके बाद में 1700 से 1800 लीटर दूध दे रही है। सूरती का दूध उत्पादन विशेष याद रखना है, दूध उत्पादन 1700 से 1800 लीटर प्रति व्याह होता है। और 7.5% क्या है, फैट कंटेंट है। फैट कंटेंट की बात कितने करते हैं, 7.5% क्या है फैट कंटेंट में। प्यारे बच्चों सूरती गुजरात का जो केरा क्षेत्र है, बड़ौदा क्षेत्र वहां की है। दराती आकार के सींग पाए जाते हैं, और जो सिर होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। प्यारे बच्चों सींग जो है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। प्यारे बच्चों उनके अलावा जो मुख्य मुख्य बता दी, पट्टियां पाई जाती है चेहरे के ऊपर, दो जो चेहरा है जबाड़ा है वह इस जबाड़े के पे क्या पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है 1700 से 1800 लीटर क्या है फैट कंटेंट, 1700-1800 जो क्या है दूध की मात्रा है, और 7.5% क्या पाई जाती है, फैट की मात्रा पाई जाती है। 7.5 क्या पाई जाती है, फैट की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे जो आंकड़े वो आपको याद रखने हैं। हम लोगों ने मुर्रा पढ़ा, मुर्रा में हमने फैट की बात की, लगभग 7% फैट था, 2000 से 2500 लीटर दुग्ध उत्पादन था। उसके बाद हमने बदावरी पढ़ी, बदावरी में दुग्ध उत्पादन कम था, कितना 900 से 1200, फेट ज्यादा थी 12 से 14%। उसके बाद में हमने सूरती पढ़ी, और सूरती पढ़ने के बाद में जाफरावादी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जाफरावादी में लगभग दुग्ध उत्पादन 1100 के आसपास था, 900 से 1100। ये सारी बातें 8% फेट थी जाफरावादी में। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, नीली रावी की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं प्यारे बच्चों, नीली रावी की बात करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में अगली नस्ल अपनी कौन सी है, नीली रावी। देखो दोस्तों नीली जो रावी है एक्चुअली है क्या, एक्चुअली इस प्रकार से है अपना जो, जैसे मैं बात करूं अपना ये इस प्रकार से अपने राजस्थान की बात करें, यहां पर ये राजस्थान है और ये अपना पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है मोंटमोगरी क्षेत्र, पाकिस्तान का कौन सा है, मोंटमोगरी क्षेत्र है। यहां पे मान लो अपने मोंट मोगरी जो पाकपटन तहसील है वहां ये ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो अपनी नदी यहां से निकलती है, यहां से सतलज और रावी नदी, यहां पे आपने देखा होगा कभी, तो रावी नदी जो यहां से निकलती है इसका पानी कैसा होता है, नीला होता है। इसलिए यहां पे जो नस्ल पाई जाती है इस नस्ल का नाम भी हमने क्या दे दिया, नीली दे दिया। इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। और अपने यहां पे जो फिरोजपुर क्षेत्र है पंजाब का, कौन सा क्षेत्र, फिरोजपुर जो क्षेत्र है, फिरोजपुर पाकिस्तान की पाकपटन क्षेत्र और पंजाब का फिरोजपुर क्षेत्र, इस क्षेत्र जो है वहां पे नस्ल क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। वहां पे नस्ल क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है नीली रावी ये पाकिस्तान का जो मोंटमोगरी क्षेत्र है, पाकपटन जो तहसील है वहां, और अपने जो पंजाब का फिरोजपुर जिला है वहां, और अपने राजस्थान के उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पे ये जो नस्ल है उस एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अपने बात करें नीली जो रावी है इसकी विशेषता, आप लोगों को देख रहे हो इसके जो पेड़ है आप अच्छे प्रकार से देख रहे हो वहां पे एक तो, और एक इसका जो चेहरा है उस चेहरे पे आप देख रहे हो हल्का हल्का क्या होता है, व्हाइट रंग पाए जाते हैं, हल्के हल्के स्पॉट पाए जाते हैं। ये मेन विशेषता आप लोग देख रहे हो अच्छी प्रकार से कि चेहरे पे हल्का हल्का क्या होगा, व्हाइट रंग के क्या पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती है। खुर जो है पैर जो है उन पे भी हल्के हल्के व्हाइट रंग की क्या पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती है। व्हाइट रंग की क्या पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, पट्टियां पाई जाती है। ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। और दूसरी बात इसकी जो आंखें हैं उन आंखों को हम आई बोल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो आंखें हैं आप अच्छे प्रकार से देख रहे हो, देखो कितनी शानदार वाली शाइनिंग दे रही है आंखें। तो इन आंखों को हम क्या कहते हैं, आई बोल के नाम से भी जानते हैं। आई बोल यानी आंख जो है वो बिल्कुल बोल जैसी होती हैं और चमकीली होती हैं। आंखें कैसी होती हैं, बोल जैसी होती है और कैसी होती है, चमकीली होती है बिल्कुल, जैसे टॉर्च का जो शाइनिंग होता है उस आकार की क्या होती है इसकी आंखें, चमकीली आंखें होती है। प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। उसके बाद इस क्षेत्र मैंने आपको इसमें बता दिया नीली रावी में,
नीले अभी वैसे देखें तो भारी नस्ल है। अगर हम भैंस का वर्गीकरण करें तो भैंस के जो वर्गीकरण की बात करें अपने, तो वर्गीकरण में मैं यूँ कहूँगा कि भैंस को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो जैसे भारी नस्ल, एक तो कौन सी नस्ल, भारी नस्ल में आप बांट सकते हो, और एक है हल्की नस्ल, छोटी बोल दो या हल्की नस्ल कह सकते हो, छोटी या हल्की नस्ल कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भारी नस्ल है उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है जाफराबादी, ये थोड़ा सा अगर आप लिख लेना बहुत शानदार वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जाफराबादी सबसे भारी होती है, उसके अलावा भारी में और कौन सी है, मुर्रा जो नस्ल होती है वो भी वर्गीकरण के रूप में भारी में ही पाई जाती है। इनके अलावा तीसरे रूप से अगर हम देखें, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी, और तीसरी कौन सी है, नीली रावी, ये नस्लें तो मेरे प्यारे बच्चों कैसी हैं, हेवी होती है, भारी होती है। और हल्के नस्लों की बात करें, हल्की नस्ल में जैसे सूरती है प्यारे बच्चों, कौन सी है, सूरती नस्ल है, वो हल्की होती है। नागपुरी सबसे हल्की होती है, नागपुरी की बात करें तो वो सबसे हल्की होती है। मेहसाना है, बाकी जो अन्य नस्ल बच जाती है वो नस्लें कैसी होती हैं, हल्की नस्ल होती हैं। आप इसको भी याद करना है, हल्की और भारी नस्ल ऐसे याद कर लो कि तीन जो जाफराबादी, नीली रावी और आपकी मुर्रा है, ये तो बहुत ज्यादा भारी होती हैं। इनमें सबसे भारी सुपर जो मास्टर एचएम होता है वो तो कौन सी होती है, जाफराबादी होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, जाफराबादी होती है। अच्छा जी, उसके बाद में अपने बात करें इन नस्लों को, आप थोड़ा सा आपके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का आप उपनाम याद करके कर सकते हो। जो हल्का होता है, जिसे बिल्कुल छोटा होता है, उसको आप नागपुरी कह सकते हो। बहुत भारी बरकम शरीर होता है, गांव में बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनको आप जाफराबादी कह सकते हो। अलग अलग प्रकार जो कॉमर्शियल व्यक्ति होता है उसको मुर्रा कह सकते हो, और जो बिल्कुल शानदार हाई प्राइज वाला व्यक्ति होता है उसको आप भदावरी कह सकते हो। ऐसे भी बिल्कुल आपको याद करने के बहुत से तरीके हैं। अपना दिमाग है ये बिल्कुल एक प्रकार से पागल है, आप इसको जैसे कहोगे ये वैसे ही मान जाएगा, वैसे ही काम करेगा। आप अपने आप को जीनियस समझे, सुपर समझे कि मैं इस बार रैंक के साथ निकलूंगा, इस बार 2 अगस्त का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में जबरदस्त रैंक मेरे साथ आएगी, और मैं तैयारी गजब की कर रहा हूं, और अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए। ये बहुत पागल चीज है, बहुत पागल चीज है मेरे बच्चों, इसको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप ये कहोगे कि हमारी एग्जाम नहीं हो पा रही है, कोविड महामारी की वजह से बहुत टाइम लग चुका है, या बहुत सारे एक्सक्यूज बनाओगे, तो ये बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल काम करना क्या होगा, बंद कर देगा प्यारे बच्चों। आप ये कहो कि हमारी तैयारी अभी उच्च लेवल की नहीं हो रखी है, हमारी तैयारी जो रैंक वाली तैयारी है वो नहीं हो रखी है, इसलिए हमें इस टाइम में समय और मिला है, और उस समय का हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। आप यूं मानो कि बहुत निम्नतम कॉलेज में जाने वाले थे, अब आपको टाइम मिल चुका है, एक और अंतिम टाइम आपको मिल चुका है, आपको उस कॉलेज में राजा की तरह आपको वहां रहना है, वहां का जीवन आपको प्यारा प्यारे बच्चों बिताना है, लाइफ आपके सपने हैं उनको अपन को पूरा करना है। इसके लिए हम लोगों को एक और मौका मिला है, एक और शानदार वाला मौका मिला है एक इतिहास बनाने का। 2020 को स्वर्णिम अक्षरों में वैसे ही लिख चुकी है 2020, आपकी लाइफ की जीवन में 2020 को हमें कैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है, उसको आपको क्या करना है, 2 अगस्त तक का जो टाइम है उसको कंटिन्यू अपने साथ जुड़े रहिए, और निशा टीम के साथ, मार्गदर्शन के साथ कंटिन्यू आपको अपडेट लेते रहना है, और अपने आप का जो ज्ञान है उसको बढ़ाना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। हाँ, बच्चों के जवाब आ चुके हैं बिल्कुल, और ये जवाब भी आपको ये कहते हैं कि आप कितने ध्यान से आप इस वीडियो को देख रहे हो, कितनी शानदार वाली आप क्लास ले रहे हो। एक बच्ची है मुंडोतिया, टॉप रैंक सर जी, बिल्कुल टॉप ही रैंक प्राप्त करनी है, लाइन यूं लग जानी चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक तो कोई नंबर ही किसी का नहीं आना चाहिए, बाकी मैं कहूँ कि 100 तक का अगर अपने टारगेट रहे तो और भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। नीली रावी के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारी नस्ल होती है जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी, और हल्की नस्ल होती है सूरती, नागपुरी और मेहसाना। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, उसके बाद अगली जो अपनी स्लाइड है, अपना जो अगला टॉपिक है वहां तक बढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू मैडम, नेक्स्ट अपने आगे बढ़े। नीली रावी की जो विशेषताओं की हैं उनकी बात हम लोग और कर लेते हैं। ये पंजाब का जो फिरोजपुर क्षेत्र है, यहां पहले बात कर चुके हैं, फिरोजपुर क्षेत्र, सतलज नदी का पानी नीला होता है, सतलज कह दो या रावी जो नदी है उसका पानी कैसा होता है,
नीला होता है और इसलिए इसका नाम भी क्या है, नीली रावी रखा है। क्या रखा है प्यारे बच्चों, नीली रावी रखा है। एक्चुअली इसका आप अपने अपने ओरिजिन आप कहना चाहोगे तो कभी कभार यहाँ पे आप किताब के साथ लिख लो पाकिस्तान का, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी क्षेत्र है, वहां पे जो पाकपटन तहसील है वो क्षेत्र इसका मेन होता है। बहुत सारी जो पुरानी किताबें अच्छी किताबें हैं वहां पे लिखा हुआ है, आप नोट कीजिए पेन से, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी क्षेत्र का पाकपटन जो अपना तहसील है वो जो क्षेत्र है वो मेन इस नीली रावी का क्षेत्र होता है, वहां ये सबसे अधिक पाई जाती है प्यारे बच्चों, वहां पे ये क्या होती है सबसे अधिक पाई जाती है प्यारे बच्चों। इसके बाद अपने आगे बढ़े, विशेषताओं की बात करते हैं। लंबा इसका चेहरा होता है, थोड़ा सा ये शब्द ध्यान रखना, इसी में ये शब्द काम में आया है, चेहरा कैसा होगा, लंबा होगा। उसके बाद बात करें छोटे और मुड़े हुए कैसे होते हैं, सींग होते हैं, पूंछ लंबी होती है, रंग काला भूरा होता है, किंतु माथे और चेहरे और तुतन पर टांगों पर क्या पाए जाते हैं, निचले भागों पर पूंछ पर अंतिम जोर पे सफेद रंग का क्या होता है, स्पॉट पाए जाते हैं। डायग्राम हम लोग देखते हैं, डायग्राम हम लोगों ने देखा तो आप स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, सींग बिल्कुल छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं और मुंह पर पैरों पर पूंछ पर यहाँ पे क्या होते हैं, व्हाइट रंग के स्पॉट पाए जाते हैं, व्हाइट रंग के धब्बे पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और चेहरा इसका कैसा होता है, लंबा होता है प्यारे बच्चों, चेहरा कैसा होता है, लंबा होता है, थोड़ा इसको भी आपको याद रखना है। हम लोगों ने टोकन वर्ग जो से पढ़ा था, जमुनापुरी हम लोगों ने पढ़ी थी बकरी में, जमुनापुरी पढ़ेंगे अपने, जमुनापुरी में भी पढ़ेंगे, बिटल भी पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे ये शब्द काम में आएंगे अपने बार बार। उसके बाद में हम आगे बढ़े, दुग्ध उत्पादन की प्यारे बच्चों बात करते हैं। दुग्ध उत्पादन इसका जो रहता है प्यारे बच्चों वो 1600 लीटर रहता है और 8 से 10% क्या पाया जाता है, फैट कंटेंट पाया जाता है। 8 से 10 क्या होता है, फैट कंटेंट पाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सर्वाधिक फैट बदावरी में 12 से 14% तक, 8 से 10 तक इसमें होता है, नीली रावी में होता है, 8 से 10 तक इसमें होता है प्यारे बच्चों, 8-9% ही किसमें पाया जाता है, जाफरावादी में पाया जाता है। थोड़ा सा आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है, 1600 लीटर प्रति व्याह दूध उत्पादन है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, मेहसाना है। मेहसाना मुर्रा और सूरती के संकरण से बनी हुई नस्ल है, ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल आप याद रख सकते हो। मेहसाना तो मेह से बनेगा मुर्रा, इसके नाम में लिखा हुआ है मुर्रा, और है से क्या बनेगी, सह से क्या बनेगी, सूरती बनेगी। तो मुर्रा और सूरती के संकरण से बनी हुई नस्ल है, दोनों के लक्षण पाए जाएंगे इसमें, किसके लक्षण पाए जाएंगे, दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। मुर्रा के जैसे लक्षण आप इसमें देख रहे हो, सींग इसके भी कैसे होंगे, मुड़े हुए होंगे, सींग इसके भी कैसे होंगे, मुड़े हुए रहेंगे, रंग काला होगा, 7-8% फेट पाई जाएगी। तो मुर्रा और सूरती दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें, संकट से बनी है दोनों के लक्षण पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, हालांकि बहुत गजब का क्वेश्चन इसमें निकलता है, इसका दुग्ध काल बहुत लंबा होता है। इसका दुग्ध काल की बात करें, दुग्ध काल इसका बहुत लंबा होता है, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। 350 के आसपास अपने बात कर सकते हैं, लगभग 310 से 350 दिन तक का इसका दुग्ध काल है। सबसे अधिक दुग्ध काल अगर भैंस में पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, मेहसाना में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट रह गया कि जो अधिक तापमान सहन करने वाली भैंस की ऐसी नस्ल जो सर्वाधिक तापमान सहन करती है, अधिक गर्मी को सहन करती है, उसको कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को लिख के बताना है। पुरानी जो नस्ल मैंने पढ़ा चुका, उसी में एक विशेषता मैंने और बतानी आपको है कि भैंस की ऐसी नस्ल जिसमें जो सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है, सबसे अधिक तापमान प्यारे बच्चों सहन कर सकती है। हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका जो जवाब है वो जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो केवल इन्हीं चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने जुड़े हुए हो सब अच्छे ही लोग हो, ये नहीं हो सकता। केवल आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, उसके बाद अच्छे व्यक्ति की तलाश ही मिट जाएगी प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छे लोगों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अच्छा बनाना है ताकि किसी और की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमसे मिलकर हो जाए। तो आप लोगों को फालतू कमेंट है उनको बिल्कुल नहीं देखना है, आपको बिल्कुल अच्छा बनना है और कंटिन्यू आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। बिल्कुल जितने बच्चों का जवाब आया है
एक्यूरेट जवाब, सही जवाब आया है और आप इसको सिंपल याद कर सकते हो। बदावरी है, कहाँ पाई जाती है? अपने यूपी का बिल्कुल जैसे मैंने बताया, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो वैसे ही ऑलरेडी गर्म स्वभाव के होते हैं, आप हल्की सी बात करोगे तो वो आपको क्या कर देंगे, गर्मी ऑलरेडी उनमें ज़्यादा होती है। और आप देखिए जो बदावरी जैसे नस्ल है वो वहाँ पर पाई जाती है, बदावरी नस्ल क्या है वो वहाँ पर पाई जाती है। तो सिंपल आप याद रख लेना कि अलवर भरतपुर यूपी के जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल गर्म क्षेत्र हैं, क्षेत्र गर्म नहीं है, वहाँ के लोग गर्म हैं और वहाँ पे क्या पाई जाती है आपकी, बदावरी नस्ल पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांस रहते हैं, अधिक तापमान को सहन करने वाली नस्ल है। बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल आपका जवाब है, फैक्ट आपका जवाब है, सही जवाब प्यारे बच्चों। उसके बाद में हम दो लोग देखें मेहसाना पे आगे बढ़ते हैं, अपने गुजरात का मेहसाणा जिला हो गया, इसका प्रजनन क्षेत्र अपने बात करें, ओरिजिन की बात करें, विशेषता दुग्ध काल बहुत लंबा होता है। मैं ये कहूं बहुत की जगह आप यहां पे लिख दो सर्वाधिक होता है, भैंस के अंदर सर्वाधिक दुग्ध काल अगर लंबा होता है तो कौन सी नस्ल में होता है, मेहसाणा में होता है प्यारे बच्चों। कौन से में होता है, मेहसाणा में होता है। शरीर मुर्रा से लंबा होता है, सिर लंबा होता है, भारी होता है, सिंह मुर्रा से लंबे व कम मुड़े हुए होते हैं। सिंह क्या होंगे, मुर्रा की अपेक्षा थोड़े से ज्यादा लंबे होंगे और मुड़े हुए हैं लेकिन थोड़े कम मुड़े हुए हैं। मुर्रा में तो बिल्कुल कुंडी पाई जाती है, बिल्कुल उसके सिंह मुड़े हुए होते हैं, अचानक बिल्कुल घुमाव ज्यादा होता है। और चेहरे पर, पैर पर, पूंछ पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं और काला अथवा भूरा स्पॉट पाए जाते हैं। 1200 से 1700 लीटर क्या होता है, मेहसाणा का दूध उत्पादन है। और 7 से 8% क्या पाई जाती है, फेट पाई जाती है प्यारे बच्चों। सबसे गजब जो क्वेश्चन है वो इसका यही बनता है, या इसका दूध उत्पादन आपको क्या करना है, याद रखना है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट क्वेश्चन यहाँ का बनता है। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ और अपने यहाँ पे बनाते हैं, भैंस की नस्लों में अपने बात करते हैं। गुणसूत्र की बात करें, हमने पहले ही पढ़ा है कि भैंस में क्रोमोजोम कितने होते हैं, 50 होते हैं, और दलदली जो क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र वाले में कितने होते हैं, 48 होते हैं। दलदली क्षेत्र में कितने होंगे, 48, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, दलदली जो क्षेत्र है उनकी बात करें। इसे एशियन पशु भी कहते हैं क्योंकि भैंस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, लगभग भैंस कहाँ पाई जाती है, एशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक है लेकिन साफ डायमंड है। और हालांकि वैसे तो आपसे परेशान तो बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों, आपसे उदास बहुत ज़्यादा है, शिकायत इसको बहुत ज़्यादा है, और आप लोग ऐसे ऐसे उदाहरण देके इसको चिढ़ाने का प्रयास करते हो कि गई भैंस पानी में है, भैंस भरकी हो रही है, भैंस जैसा रंग है, और इसके बछड़े को भी आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, क्या कहते हैं उसके बछड़े को कि पाड़िया भर को खा खा के हो रहे है, इस प्रकार के शब्द आप काम में लेते हो। लेकिन प्यारे बच्चों जब हड़ताल में आ जाएगी ना तो दूध के गिलास खाली रहेंगे गाय के भरोसे, जिसको आप माता कहते हो इसको चाचा ताई कुछ कहा करो, इसको ताई वाई कुछ, ताकि थोड़ा इसका भी मन लगा रहे, भैंस का भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सारी बातें मजाक की बातें हैं बिल्कुल आपके। हाँ आगे बढ़ते बेटा, थोड़ा अपने हल्का सा आपको थोड़ा सा स्माइल आपके चेहरे पे आनी जरूरी है, ताकि लॉकडाउन का समय है उसमें आपको भरपूर एंजॉय के साथ स्टडी मिलते रहे, एनर्जेटिक आप बने रहे हो, इस प्रकार की सारी बातें ध्यान तो मेरे को ही रखना है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल गेस्ट के रूप में हो, और मैं अगर आपको चाय नहीं पिलाऊंगा तो कौन पिलाओगे, क्योंकि मेरे को भी आपको घर आके चाय पीनी है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत गजब गजब आपके कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं भैंस अनुसंधान संस्थान की बात हमने पहले भी की है, कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में है। इसके अलावा अपन देखते हैं 2.5 किग्रा दुग्ध पर 1 किग्रा सूखा आहार देते हैं। अब आप लोग देखो, खुद आप लोग सोचने का प्रयास करो, कहाँ इंसाफ है, कहाँ इंसाफ, आप खुद बताना मेरे को कि 2.5 किग्रा अगर दुग्ध दे रही है भैंस तो उसको आहार कितना दे रहे हैं, 1 किग्रा सूखा आहार, या उसको हम बाट के रूप में देते हैं। लेकिन यही बात अगर गाय में करें, यही बात किस में करें, गाय में हम लोग करते हैं, तो गाय क्या करती है बेचारी, जब 3 किग्रा आपको मिल्क देती है, कितना किग्रा, 3 किग्रा मिल्क देगी, तो उसको सूखा आहार कितना खिलाओगे, 1 किग्रा सूखा आहार, कितना खिलाओगे, 1 किग्रा। तो आप देखिए
दुग्ध भी आपको, आप आहार भी कम दे रहे हो, दुग्ध उत्पादन भी बहुत ज्यादा दे रही है, और आप इसको किस किस प्रकार के नाम है उनसे आप इसको प्रेरित करते हो, तो उदास तो है ही आपसे और शिकायत भी बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों। इसके बाद में अपन आगे बढ़े, इसके बाद में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको याद करना थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से इस प्रकार की बातें आप सुनोगे, सारी बातें हंसते हंसते आपको क्या होगी, याद हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आगे से थोड़ा इंसाफ करने का भी प्रयास आपको करना है, इसके साथ में बहुत शिकायत करती है जब ये मिलती है अपने से। इसके बाद अपने देखे आगे, बेस में साइलेंट हीट पाई जाती है। अब यहाँ पे ये शब्द होगा कि सर साइलेंट हीट का क्या मतलब है, कभी कभार हम लोग देखते हैं बेस के अंदर क्या होता है, जब इसका मध्यकाल के लक्षण ये प्रकट करती हैं, तो मध्यकाल के लक्षण कभी कभार क्या होते हैं, इतने साइलेंट होते हैं कि जो पशुपालक होता है वो पहचान नहीं कर पाता, और उचित समय के ऊपर क्या होता है वो इसको, इसका गर्भधारण है वो नहीं करवा पाता है। इसलिए इसका जो सूखा काल है, ड्राई पीरियड है, वो क्या होता है, फिर लंबा बढ़ जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन है, शानदार वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, बेस के अंदर मध्यकाल के लक्षणों का पता लगाने के लिए, मध्यकाल का पता लगाने के लिए, हीट साइकिल का हीट जो टाइम है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसकी सहायता से हमें उसकी हीट का पता चलता है, उसके मध्यकाल का पता चलता है, उसका आपको नाम मेरे को लिखना है, उस उपकरण का नाम आपको मेरे को लिखे भेजना है प्यारे बच्चों। कमेंट की आपकी मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट आने के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। शर्मा जी का जवाब आ चुका है, बाकी सारे बच्चे हैं फटाफट जवाब लिख दीजिए, तुरंत एनर्जी के साथ आपको जवाब लिखना प्यारे बच्चों। हाँ ये हुई ना बात, गजब वाले आंसर आप दे रहे हो। नरेश सेन है, हर्ष सेन कोई बच्चा है, और थोड़ा सा आप समय के साथ अपने आप को चेंज करें, वरना समय आपको बड़ा इतना ज्यादा चेंज कर देगा कि आप कहीं नरेगा लाइक भी नहीं रह पाओगे प्यारे बच्चों। शब्द मेरे पास कटु बहुत ज्यादा है, जितने मीठे शब्द हैं कटु शब्द भी ज्यादा हैं, प्लीज आपसे थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अच्छे शब्दों का यूज करवाएं मेरे से। टीचर बुल, सभी बच्चों का जवाब आया है और बिल्कुल सही जवाब भी आया है, सभी बच्चों का जवाब टीचर बुल आया है। टीचर बुल का हम यूज करते हैं, नसबंदी किया हुआ बुल भी अपने कह सकते हैं उसको, नसबंदी किया हुआ बुल भी हम कह सकते हैं। उसका यूज क्या करते हैं हम, जो फीमेल होती है उसमें जो मध्यकाल हीट साइकिल है उसका पता अपन को चल जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, अच्छे प्रकार के जो मेल होते हैं उसके साथ उसका सहवास करवाया जाता है। तो साइलेंट हीट जो विशेषता है वो विशेषता किस में पाई जाती है, बेस में पाई जाती है मेरे बच्चों। किस में पाई जाती है, बेस में पाई जाती है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ी, भारत में बेस की 10 नस्लें पाई जाती हैं, हालांकि रिकॉर्डेड अगर बात करें तो कितनी होगी, 13 है। रिकॉर्डेड बात करें तो 13 है, हालांकि बुकों में अपने क्या दे रखा है, इसको 10 ही दे रखा है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। गरिमा की बात करें, भैंस की पहली क्लोन द्वारा तैयार की गई नस्ल है, बिल्कुल फैक्ट बात है, गरिमा हमने पहली क्लोन द्वारा तैयार की गई नस्ल है। अब आपको ये बताना है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना है, गरिमा कहाँ से विकसित की गई है, गरिमा कहाँ से विकसित की गई है, कहाँ से विकसित की गई गरिमा, इसका जवाब आपको लिख के भेजना है। काजला जी का जवाब सबसे पहला आया है, 11th क्लास के बच्चे हैं अपने, और बहुत अच्छे प्रकार से वाचिंग कर रहे हैं, और आपका नॉलेज, आपकी तैयारी इस कदर है प्यारे बच्चों कि मेरे को यूँ लगता है आप शायद साल भर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं उनको खतरा ना बन जाए, कहीं उनकी सीट आप ना ले जाए प्यारे बच्चों। बहुत बधाई के पात्र हैं 11th क्लास के बच्चे, गजब जवाब दे रहे हैं और फैक्ट आपका जवाब प्यारे बच्चों आ रहा है। बिल्कुल फैक्ट आपका जवाब प्यारे बच्चों, NDRI करनाल हरियाणा है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा है,
और 1923 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई और उसके बाद इसको अपने कहाँ लेके आए, हरियाणा में लेके आए। प्यारे बच्चों, तो एनडीआरआई क्या है, बहुत एग्रीकल्चर का अपने नस्ल सुधार का कार्यक्रम है। गजब तरीके से यहाँ से महिमा श्रेष्ठ बेड की जो पश्मीना नस्ल भी बना रखी है, वो नेहरू जिसको अपने कहते हैं, नेहरू या नीरू जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार की गरिमा बहुत गजब गजब की नस्ल यहाँ से विकसित की गई हैं। और एनडीआरआई जो क्षेत्र हैं लगातार कार्य क्षेत्र हैं, आईसीआर का टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के जो भेस का कीचड़ में नहाना क्या कहलाता है, वेलोविंग कहलाता है। प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, वेलोविंग कहलाएगा। प्यारे बच्चों तो ये गजब गजब के क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, इन सबको आपको अच्छी प्रकार से क्या करना है, याद करना है। प्यारे बच्चों आज का अपना जो सेक्शन है पूरा हो चुका है, तो फटाफट साथ जुड़ जाइए, एक बार इसका रिपीट हम लोग कर लेते हैं। मुख्य मुख्य प्रश्न यहाँ से क्या क्या आ सकते हैं उनकी प्यारी प्यारी बातें अपन कर लेंगे और उसके बाद में अपना सेशन क्या करेंगे, आज का पूरा हम करेंगे। ये सामान्य बातें हो गई, गर्भकाल इसका बता दिया हम लोगों ने, 310 दिन का होता है। जो मटन होता है उसको बेस है, बेस का जो मीट होता है उसको बफन कहते हैं। गर्भकाल जो प्रजनन की क्रिया है उसको क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। गर्भकाल 310 दिन का होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने, अलवर में सबसे अधिक पाई जाती हैं, जैसलमेर में सबसे कम पाई जाती हैं, भारत के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, भैंस पाई जाती है, और भारत में सबसे अधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है, गाय पाया जाता है, और गाय सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में पाई जाती है। प्यारे बच्चों ये नॉर्मली जो बातें हैं उनके बाद अपने बात करें, अपने पास जो नस्ल है उनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, अपने पढ़ा परा व मुन्ना बजा सुर में, परा व मुन्ना बजा सुर में, प्रत्येक नाम से नई नई नस्ल निकलती है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको याद रखना है, जैसे रथ दे रखा है, नागपुरी इलीचपुरी के नाम से जानती है, सबसे हल्की फुल्की होती है। एक टोडा नस्ल मैंने आपको बताई, जो इसके तलवार नुमा क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, सबसे अधिक क्या होती है, लड़ाकू प्रकृति की होती है। इस प्रकार की नस्लें हमने लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद मुर्रा युवराज की डायग्राम आपको दिया है, 9 करोड़ है, उससे भी अधिक प्रकार ये इसकी प्राइज है, और बहुत सारा इसके अवार्ड जो है वो इसको मिल चुके हैं। बहुत सारी कंट्रीज में क्या कर चुका है, भ्रमण कर चुका है अपने मोदी जी की तरह। ये भी क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा भ्रमण पे रहता है। हालांकि अभी फ्लाइट सारी कैंसिल है, तो ये भी घर पे ही अभी है, और घर पे क्या कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है। प्यारे बच्चों इसको मुर्रा को क्या कहते हैं, दहली बपेलू के नाम से इसको जानते हैं, अलवर भरतपुर में पाई जाती है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा लिख लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपना राजस्थान है, इस प्रकार का अपना जैसे राजस्थान की बात करें, इस प्रकार ही राजस्थान है। इस राजस्थान में कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है, जैसे अपने बात करें गंगानगर क्षेत्र है, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, ये अपना जैसे बीकानेर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है नीली रावी। कौन सी होती है प्यारे बच्चों, नीली रावी जो नस्ल है वो यहाँ पाई जाती है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये तो होगी नीली रावी यहाँ पाई जाती है। ये जो क्षेत्र अपना है चूरू अलवर जयपुर, इस प्रकार का जो शेखावाटी का क्षेत्र है, जैसे चूरू में बात करूँ, झुंझुनू बात कर ले, यहाँ पे अलवर बात करें और जयपुर बात करें, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है मुर्रा। यहाँ पे कौन सी होती है, मुर्रा होती है। प्यारे बच्चों और ये जो क्षेत्र है अपना कौन सा, एक तो अपने भरतपुर का और एक है अपने धौलपुर का क्षेत्र, धौलपुर और भरतपुर। यहाँ के लोग यूपी की तरह बिल्कुल गर्म स्वभाव के होते हैं, और गर्मी को अधिक सहन करने वाली कौन सी है, बदावरी आपकी नस्ल है। कौन सी है प्यारे बच्चों, बदावरी यहाँ पे होती है। थोड़ा सा इसको याद रखना है, तामे जैसा रंग होता है, नाव आकार का शरीर पाया जाता है, वारे बदाय फेड़ पाई जाती है 12 से 14%। ये जो आपका क्षेत्र है उदयपुर, ये प्रकार का जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, सुरती पाई जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सी होती है, सबसे अधिक सुरती पाई जाती है। मेहसाना ये क्षेत्र है, तो ये मुख्य मुख्य नस्ल हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से क्या रखना है, याद रखने का आपको क्या करना है, प्रयास करना है। प्यारे बच्चों ये मेन मेन नस्लें मैंने बताने का प्रयास किया है, कौन सी नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसी प्रकार इनको क्या करना है, अपने को याद करना है। नागपुरी है दक्षिणी भारत की है, टोडा दक्षिणी भारत की है, उनको अपने को अच्छे प्रकार से मैंने याद नहीं रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद में देखिए सर ऐप नहीं ओपन हो रहा है पासवर्ड,
पासवर्ड आपको खुद को क्रिएट करने हैं, पासवर्ड जो है वो मेरे प्यारे बच्चों खुद को क्रिएट करना है। आज आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उस वीडियो में आपके लिए ये बताया जाएगा किस प्रकार आप क्या हैं, अपने ऐप के बारे में जानकारी और किस प्रकार इसको आपको कंट्रोल करना है और क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, किस प्रकार आप इसको अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए इसका किस प्रकार सहारा आप ले सकते हैं, एक रामबाण चीज जो बना रखी है उसका आप यूज कैसे कर पाएंगे, उस वीडियो का आप जरूर देखिए। बिल्कुल शानदार प्रकार से हर एक चीज आपके लिए बनाया जाएगा। पुनिया जी का जवाब आ रहा, सर वेरी नाइस निशा टीम, पासवर्ड मैसेज से आएंगे? बिल्कुल नहीं, मैसेज से नहीं आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार ऐप काम करेगा उसके लिए मैं कह रहा हूँ, एक वीडियो हम पढ़ने बना रहे हैं, उस वीडियो का आपको अच्छे प्रकार से देखना है और उसके साथ जैसे जैसे त्रुटि आती रहेगी लगातार वीडियो की सहायता से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या किताब में लिखना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो भूल जाते हैं अपने आगे बढ़ने के बाद में। तो ये किस क्षेत्र में कौन सी नस्ल है उसको अच्छे प्रकार से आपको देखना है, फिर रिपीट को अपने आगे बढ़ाते प्यारे बच्चों। जलेबी आकार के सींग किस में होते हैं, ये हमने पढ़ा, मुर्रा में होते हैं, स्याह काला रंग पाया जाता है और चेहरे पे इन पे क्या होते हैं, गोल्डन कलर के क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं गोल्डन प्रकार की मूछ पाई जाती है प्यारे बच्चों। और गुलाबी आकार के अयन किस में होंगे, बदावरी में होंगे प्यारे बच्चों, किस में होंगे, बदावरी में होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद आपको करना है, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक दूध उत्पादन किसका है, मुर्रा का है, 7% फैट पाई जाती है और इसका जो यूज अपने करते हैं वो किस में करते हैं, घी प्राप्त करने के लिए करते हैं। बदावरी है वारे बदा, आगरा का बदावर क्षेत्र है और बिल्कुल नाव आकार का शरीर होता है, तांबे जैसा रंग पाया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, रंग कैसा होता है, तांबे जैसा, नौकाकार होती है, कैसी होती है, नौकाकार, आगे से संकीर्ण और पीछे से भी कैसी होती है, संकीर्ण होती है प्यारे बच्चों। इसके बाद में दुग्ध सिराई उभरी हुई होती है, यहाँ पे आपको लिखना है कि दुग्ध सिराई कैसी होती है, गुलाबी आकार की होती है, 13% सर्वाधिक फैट पाया जाता है, दूध उत्पादन 900 से 1200 लीटर है। जाफरावादी छोटा हाथी, देखिए आप किस प्रकार का जो आपके सामने आती है, ये छोटा हाथी है, मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में गिरी कुछ पहाड़ है उसके नाम से भी इसको जानते हैं, बरवागिरी के नाम से इसको शायद जाना जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। जाफरावादी छोटा हाथी ऐसे नाम से जानते हैं इसको, मिनी एलिफेंट बता दिया मैंने आपके लिए। मस्तक बारी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, मिनी एलिफेंट का जो मस्तिष्क है वो बारी नहीं होता है, गुंबद आकार का भी होता है, कैसा होता है, गुंबद आकार का होता है प्यारे बच्चों, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद सूरती है, देखो कितनी शानदार वाली सूरत है, हस्य आकार के क्या होते हैं, सिंग पाए जाते हैं, किस आकार के मेरे प्यारे बच्चों, हस्य आकार के सिंग पाए जाते हैं। इसकी मेन विशेषता थी उदयपुर में सर्वाधिक, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है सूरती नस्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी सिर छोटा गोलाकार होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिर कैसा होता है, गोलाकार होता है, किसका, सूरती का, और सिर गोल होने की वजह से सूरत इसकी क्या है, मनमोहक है प्यारे बच्चों, सिर गोल होने की वजह से, इसका गोल होने की वजह से सिर मनमोहक है, सुंदर नस्ल है थोड़ा इस प्रकार भी आप इसको। दराती आकार के सींग पाए जाते हैं, जबड़े के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, सफेद पट्टियां। नीली रागी है, सफेद बिल्कुल पैरों पे, चेहरे पे सफेद स्पॉट पाए जाते हैं और आंखें इसकी मोटी और चमकीली होती है, आप देखो कितनी शानदार वाली शाइनिंग आंखें दे रही हैं। कुछ लोगों की शादी ब्याह में भी क्या है, आंखें शाइनिंग देती है, उसका आपको पता है ही। उसके बाद अपने आगे बढ़े, इस प्रकार की और इसमें विशेष विशेषता कुछ है नहीं, नीली हो गई ये बातें। मैसाना संकर नस्ल है, नाम से इसको याद रखना है, मैसे मुर्रा और सैसे क्या है, सूरती आपको याद रखना है। इसका दुग्ध काल होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, दुग्ध काल बहुत लंबा होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। बाकी एशियन पशु है ये शायद, नागपुरी मैंने बताई दी, नागपुरी सबसे हल्की, टोडा सबसे क्या होती है, लड़ने वाली, इलिशपुरी नस्ल है, ये सारी नस्लें आपको पढ़ना है, याद भी करना है। इसके अलावा आपके कोई इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे प्रकार से सोल्व करवा दिए प्यारे बच्चों। और उम्मीद है आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत आपको अच्छा लगा होगा, आज का सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा सेक्शन लगा है तो आप थंप के द्वारा, यहाँ पे आपको थंप के द्वारा क्या करना है, यहाँ पे आपको इंडिकेट करवाना है कैसा सेक्शन लगा, और आनंद आपको आया है तो इस
वीडियो का आपको क्या करना है, शेयर जरूर करें, और नए व्यक्तियों को आपको बुलाने का प्रयास करना है, नए व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करना है। और एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, विशेष सूचना आपको मैं देना चाहूंगा। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी बच्चे जो लाइव कर रहे हैं उन बच्चों को क्या है, एक कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आपका कंप्लीट आपको क्या करना है, विथ एड्रेस आपको क्या करना है, डिटेल्स लिखनी है, नंबर आपको लिखने हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप है, 94 14 74 72 20, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर जो जितने बच्चे लाइव कर रहे हैं वो सारे बच्चे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आप बारी के साथ हो या वन ईयर बेस में हो, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर, सारी बातें जो आपकी डिटेल्स की आवश्यकता होती है, आपकी मेल, वो सारे आपके आईडी सारे हैं, वो इन नंबरों पे आपको भेजना है। और जैसे ही अपने 2-3 या 3 से 4 दिन बाद में है, आपको विशेष प्रकार के जो क्वेश्चंस, नोट्स और इम्पोर्टेंट नवीनतम आंकड़े हैं वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ के द्वारा आपको मिल जाएंगे, या अपने मैप, अपना जो गूगल ऐप है उसकी सहायता से जो बच्चे अपना, जितने ज़्यादा बच्चे हैं वो डिटेल्स भेज पाएंगे, उनको विशेष सामग्री है वो यहाँ पे इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं 94 14 72 20 94 14 72 20, इन कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको क्या करना है, आपके जितने बच्चे जो इस समय लाइव हैं, अन्य जो बच्चे हैं, उन सबको आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेजनी है, एक खाली पेज पे लिखने के बाद आपको भेज दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें मिल पाएगी। और यहाँ पे अपनी टेक्निकल टीम ने बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, और आपको इन नंबरों के ऊपर क्या करना है, पूरी आपको डिटेल्स भेजनी है, आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी वीडियोज आपको जो लेना है, तो उन सबके लिए आपको क्या करना है, इन नंबरों पे आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको लिखे भेजनी है। हाँ, आपको भी भेजना है, बिल्कुल बोचलिया जी, आपको सभी को भेजना है, ताकि उस ग्रुप में हम आपको जोड़ पाए, और उसके द्वारा क्या है, जो भी स्टडी मटेरियल है समय समय पे हम आपको पहुंचा पाए। बहुत सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, अपने इंस्टीट्यूट के अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल है, वो सारा स्टडी मटेरियल हम आप तक पहुंचा पाए, उसके लिए हम क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू ग्रुप है वो क्रिएट कर रहे हैं। इनके अलावा और भी आपके जो संबंधित जो बच्चे हैं, 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर और ईयरली बेच के जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पे आपको डिटेल्स भेजनी है, ताकि एक ऐसा मंच हम बना पाए, उसके बाद में यूं लगे, उसके बाद में अगर हम आपका टेस्ट लेते हैं तो फिर पता चलना चाहिए आपकी तैयारी किस लायक है, किस कदर है प्यारे बच्चों। और आने वाले समय में ऐप के द्वारा इतने गजब के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, एक फिक्स समय में आपको मैटर दिया जाएगा, उसको सोल्व आपको करना है, और उसके बाद क्या होंगे, लकी ड्रा के द्वारा गजब की आपको इनाम, और आपको मोटिवेट किया जाएगा। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्या करना है, जो भी अपने संबंधित हैं उन सभी बच्चों का, 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर ईयरली बेस के एग्रीकल्चर के बच्चे, कृषि संबंधित कोई भी बच्चा हो, उन सबकी डिटेल्स आपको इन नंबरों पे व्हाट्सएप करनी है, ग्रुप अपन को क्रिएट करना है, और एक अच्छे अपने मंच का निर्माण हमें करना है, ताकि अपनी तैयारी है उसकी हम जांच कर पाए, और उन तक बहुत अच्छा जो निशा टीम मेटेरियल बना पा रही है वो सेंड कर पाए बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों, कुछ 10 मिनट बाद में लगभग क्या है, आपकी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, 10 मिनट बाद में केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहिए, चाय वाय पी के। बाय बाय बच्चों, जय हिंद जय भारत।